राधे को जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदा राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की तीनों लोग के नाथ सो जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 जय यशोदा नंदन गज जन रंजन 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 यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुन तीरवन चारी यमुन तीरवन चारी यमुन तीरवन चारी यमुन तीरवन जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी
हरि हरि राधे। Hare Krishna, Hare Krishna.
स्वामी नयन पथगामी भवा तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवा तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवा तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नयन
जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जय सुदर्शन जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जय सुदर्शन जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भव तुमे जगन्नाथ स्वामी नयन जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भव तुमे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे नयन बदगामी भव तुमे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल युग धर्मराज हरि नाम संकीर्तन गे जय आराध्यो भगवान व्रजेश तना श्री चैतन्य महाप्रभु
श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरे न पर वंशी विभो शितकरा Hare Hare Rama 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 Hare Hare
पीछे पीछे बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं, नारायणं नमस्कृत्यं, नरं चैव नरोत्तमं, नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं, देवीं सरस्वती व्यासं, ततो जयमुदीरये, ततो जयमुदीरये, नष्टायेषु भद्रेषु, नष्टायेषु भद्रेषु, नित्यं भागवत सेवया, नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके, भगवती उत्तम श्लोके, भक्तिर्भवती नैष्ठिकी, भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी, भगवान के इस दिव्य कथा में, श्रीमद् भागवत कथा के इस छठे दिवस में आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कृपया शांति बनाए रखें, बहुत लोग तो हैं नहीं कि हल्ला करने की जरूरत है। गत सत्र में हम लोग श्रवण किए कि किस प्रकार कपिल देव मुनि अपनी माता देवहूति को बताया कि माते साधुओं का संग करो। कम रखिए इसका साउंड, हारमोनियम कम करिए थोड़ा। माते साधुओं का संग कर, बोले ऐसे साधुओं का संग करने से होगा क्या? बताया कि साधुओं का संग करोगे तो वहां पे कृष्ण कथा होगा, भगवत कथा होगा, और जब ऐसी कथा का श्रवण करोगे तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। फिर मानो देवती पूछे कि प्रभु साधु कौन है? बहुत सुंदर बताया कि जिसका जीवन कृष्ण के लिए हो, जिसका जीवन राम के लिए हो, वही साधु है। यही प्रश्न रामायण में गरुड़ जी कागभूषणी जी से करते हैं कि हे कागभूषणी जी, कह साधु, साधु कौन है? तो कहते हैं पर उपकार वचन मन काया, पर उपकार वचन मन काया, पर उपकार वचन मन काया, पर उपकार वचन मन काया। कागभूषण जी से पूछते थे, हे कागभूषण जी, साधु कौन है? साधु कौन है? संस्कृत जानने की जरूरत नहीं, बड़े आसानी से समझ सकते हैं क्या जाने? पर उपकार वचन मन काया, जिसका वचन जिसका काया दूसरों के उपकार के लिए हो, पर उपकार वचन, पर उपकार वचन मन काया, पर उपकार वचन
खगराज ये पक्षियों के राजा के संत वह है जिसका जीवन दूसरों के जो अपने जीवन को दूसरों के लिए जीता संत वह है जो जन कल्याण कर सके ना कि केवल देश कल्याण ना कि केवल राज्य कल्याण ना कि केवल पंचायत कल्याण ना कि केवल ग्राम कल्याण संत वो है जो सभी जनों के कल्याण के लिए सोचे किस प्रकार से इस पूरे जगत का उद्धार पर उपकार वचन मन काया पर उपकार वचन मन काया संत सहज स्वभाव खगराया संत सहज स्वभाव खगराया जो जिन रात दूसरों को कृष्ण कथा कृष्ण का नाम देने में अपना जीवन बिताया वह कौन है वह साधु ना कि केवल अपना झोली भरने वाला साधु तो इस प्रकार बहुत सुंदर बहुत ही सुंदर कल हमने कपिल देव होती संवाद में सुना कि किस प्रकार से कपिल देव अपनी माता देवहूती को सांख्य योग का उपदेश दे रही है और इस तरह से उपदेश देते हुए भागवत का तीसरा स्कंद समाप्त होता है जहां पर कपिल देव और देवहूती का दिव्य संवाद है। भक्तों आज का विज्ञान कहता है आज का विज्ञान कहता है कि वेद बहुत पुराना है। क्या कहता है? वेद बहुत पुराना है, शास्त्र बहुत पुराने हैं। इन सारे बातों पर नहीं विश्वास करना चाहिए, लेकिन अगर देखें तो वेद बहुत नया है। यहीं पर तीसरे स्कंद के अंतिम अध्याय में कपिल देव भगवान सांख्य योग में वर्णन करते हैं कि माता किस प्रकार से एक बालक अपने गर्भ में माता के गर्भ में डेवलप करता है, किस प्रकार से विकसित होता है, एक 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 अंग किस किस समय में किस किस महीने में डेवलप होता है वह बताते हैं। और अगर आप सोनोग्राफी करके देखें ना तो कोई चेंजेस नहीं मिलेगा, सेम टू सेम है ना। तो हमारा वेद जो है भक्तों, शास्त्र जो है नित्य नवीन, ये साइंस तो भी ढूंढ रहा है जी, बहुत पुराना है, साइंस अधूरा है, वेद पूर्ण है। तो इस प्रकार से हमने कल मैत्रेय मुनि मनु महाराज के वंशज का वर्णन करते हुए कहते हैं कि शंभु मनु की पत्नी सतरूपा से तीन कन्या हुई, आकुति, देहूति और प्रसूति, है ना, और इनके दो पुत्र हुए। और आकुति का विवाह
रुचि प्रजापति के साथ कराया गया। और आकुति और क्या क्या बताया बताओ, आकुति देवति और प्रसूति, प्रसूति का विवाह किनके साथ, दक्ष प्रजापति के साथ, और उनकी पुत्री हुई देवी सती। ठीक है, आकुति रुचि प्रजापति, देवहूति कर्दम ऋषि, कर्दम ऋषि के विषय में कल सुना, और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से। तो आकुति से, आकुति और रुचि प्रजापति के, रुचि प्रजापति से साक्षात भगवान जिन्हें यज्ञ और यज्ञ का जन्म, जो भगवान विष्णु का ही अवतार है, 24 अवतार में से एक, ठीक है, और दक्षिणा यज्ञ और दक्षिणा का जन्म आकुति से। इस प्रकार उनके वंशज का गिना रहे हैं, ठीक है, और कहते हैं दक्षिणा के 12 पुत्र हुए, तोष प्रतोष संतोष भद्र शांति इडस्पति इद्म कवि विभू स्वाहा सुदेव तथा रोचन, इस प्रकार से 12 पुत्र हुए। और इसी प्रकार से आगे आगे गिनाते हुए कहते हैं कि मनु महाराज के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद, 3 कन्या और 2 पुत्र। और उधर जो कर्दम ऋषि का विवाह देहूति से हुआ था, तो उसमें हमने सुना था कि 9 कन्याएं हुई थी और एक भगवान कपिल देव का जन्म। इस प्रकार से गिना रहे हैं, गिना रहे हैं, और आगे चलते हुए कहते हैं ध्रुव महाराज के चरित्र को वर्णन करते हैं, है ना। उत्तानपाद के पुत्र हुए महाराज ध्रुव। अब ध्रुव के विषय में जानते ही हैं भक्तों कि ध्रुव महाराज चतुर्थ स्कंद में ध्रुव महाराज की कथा आती है। ध्रुव महाराज उत्तानपाद के पुत्र हुए, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मनु, और मनु के पुत्र हुए उत्तानपाद, और उनकी 2 पत्नियां, कौन कौन, सुरुचि और सुनीति, 2 पत्नियां। सुनीति के गर्भ से ध्रुव महाराज के जन्म, सुरुचि उनकी सौतेली माता। एक दिन सुरुचि का पुत्र अपने पिता के गोद में बैठा हुआ था, उत्तम ध्रुव के जो भाई है, पिता के गोद में बैठा हुआ था, ये भी बालक है, बोला माती मुझे भी पिता के गोद में बैठना है, और जाकर के अपने पिता के गोद में बैठ गए। लेकिन जैसे ही बैठे तो कहते हैं उसी समय सुरुचि ने क्या किया, उसे गोद से उठा करके फेंक दिया। बोला माता मुझे गोद से क्यों फेंका, बहुत सुंदर प्रसंग है भक्तों, ये किस प्रकार से भगवान का प्रेम किस प्रकार से प्राप्त होता है। बोले तुम पिता के गोद में नहीं बैठ सकते। ध्रुव ने कहा लेकिन माँ मेरा भाई उत्तम तो बैठा हुआ है, मैं क्यों नहीं बैठ सकता।
मैं तो राजा का पुत्र हूं। तो उनकी माता ने कहा, तू राजा का पुत्र तो है लेकिन इस रानी का पुत्र नहीं। अगर अपने पिता के गोद में बैठना है तो जा और भगवान की भक्ति कर, और जब भगवान तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हो जाए ना तो कहना कि सुरुचि के गर्भ से जन्म दे ताकि तुम अपने पिता के गोद में बैठ सको। रोते रोते सौतेली माँ की बात हृदय में लग गया भक्त। बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, और दुख होने के बाद अपनी माता सुनीति के पास गया और सारी बातें कह के सुनाया। माता ने कहा कि बेटा भगवान विष्णु की भक्ति करो, कृष्ण के शरण में जाओ, अगर वह चाहे ना तो तुम्हें तुम्हारे पिताजी क्या तुम्हारा दादाजी से भी ज्यादा बड़ा राज्य दे सकते हैं। जाओ। ध्रुव महाराज मात्र 5 साल के बालक हैं और भगवान की भक्ति करने के लिए जंगल में चले गए। बहुत तपस्या की है, बहुत तपस्या की है, और वक्तों शास्त्र का सिद्धांत, जो भी व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति करता है ना, विष्णु की भक्ति करता है ना, भगवान उसे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान मात्र 6 महीने में उनके सामने प्रकट हो गए। 6 महीने का ध्रुव क्या चाहिए। अब देखिए मांगना तो दूर। जैसे ही भगवान को देखा ध्रुव ने, मन में इच्छा हुई कि भगवान की कुछ स्तुति की जाए। जब भी कोई व्यक्ति भक्तों इस संसार में भगवान को देखता है ना तो मन में यही इच्छा होती है कि कुछ स्तुति की जाए। सिद्धांत है वहां। जब भगवान श्री रामचंद्र देवी अहिल्या के पास गए, देवी अहिल्या का उद्धार किया, और सहसा इतने वर्षों के बाद देवी अहिल्या प्रकट होती है। प्रकट होने के बाद देखती है कि मेरे सामने साक्षात भगवान श्री रामचंद्र खड़े हैं। तो कहते हैं परसत पद पावन सुख न सावन प्रगट भई तप पुंज सही परसत पद पावन सुख न सावन प्रगट भई तप पुंज सही प्रकट हुई देवी अद्भुत। जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र के चरणों का रज पड़ा कि तब प्रकाश पुंज शरीर से अद्भुत प्रकाश निकला। आज भी कुछ माताएं अपने शरीर का तेज बढ़ाना चाहते हैं, और तेज बढ़ाने के लिए घंटों घंटों भर कहां बैठती है ब्यूटी पार्लर, और 3 घंटे मेकअप करने के बाद जब बाहर निकलती है तो कैसे लगती है, जैसे पूतना। बाल स्ट्रेट, नाखून बड़े बड़े, वहां पूतना भी जब कृष्ण को मारने गई थी ना बड़ा सुंदर रूप धारण करके। अभी शादियों का सीजन चल रहा है ना, ब्यूटी पार्लर में ऐसी भीड़ होती रहती है, यहां भी मारने का ही प्लान होता है बेचारा, अच्छा से आनंदमय जीवन जी रहा होता है। तब केश बंदा तब मल्लिका, इन भक्तों ये ब्यूटी पार्लर का तेज, माता जी की संख्या ज्यादा इसलिए बोलूं आपको, ब्यूटी पार्लर का तेज एक
दो दिन, एक घंटा, आधा घंटा, एक सप्ताह, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन। उसके बाद पुनः उसी को भुआ। पता चल जाता है लड़का समझ जाता है फंस गया। लेकिन अगर वास्तव में अपना तेज बढ़ाना है, अगर वास्तव में हम चाहते हैं कि हमारे चेहरे का तेज बढ़े, तो भगवान की भक्ति। एक बार भगवान के चरणों का रस मिल गया ना, भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई ना, तो अद्भुत तेज मिलेगा। और वह तेज एक दिन नहीं, एक साल नहीं, जन्म जन्मांतर रह जाता है। आज देवी अहिल्या के सामने भगवान प्रकट हुए हैं और देवी अहिल्या पत्थर से भगवान जीवित, समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे, क्या कर रहे। देखत रघुनायक जन सुखदायक षणमुख होई कर जोर रही। देखत रघुनायक सुखदायक षणमुख होई कर जोर मेरा एक फेवरेट स्तुति, मैं जब जहां भी जाता हूँ एक स्तुति तो लेने का प्रयास करता हूँ। और आप देखें अभी तो राम कथा कर ही रहा हूँ लगातार, दो दो बार, तीन तीन बार लगातार राम कथा चल चल। अब देखें तो भागवत रामायण लिख ले, वहां ध्रुव के सामने प्रकट हुए तो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, यहाँ अहिल्या के सामने भगवान खड़े तो कुछ नहीं बोल पा रहे, वहीं कौशल्या के सामने खड़े तो वहां भी कुछ नहीं बोल पा रहे। भाई प्रकट कृपाला दीन दयाल, क्या बोले कौशल्या हितकारी। भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भैया प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मन हारी, हर्षित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप विचारी, अद्भुत रूप विचारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल कौशल्या के सामने जब प्रकट हुए कुछ बोल ही नहीं पा रहे। आज भगवान अहिल्या के सामने प्रकट है लेकिन बोल नहीं पा रहे। अहिल्या दोनों हाथ जोड़ रही है और सामने खड़ी होकर कहती, प्रभु चाहती है कि स्तुति करूं, लेकिन सहसा पत्थर से नारी बनी है, समझ नहीं आ रहा है क्या बोल। ये है प्रेम की प्रकाश, गला गला भर गला भराया, आखिर क्या क्या। ये है प्रेम की प्रकाश। हमारे गौड़ी आचार्य ने भी मांगा ना, गोरंग बोली थी होवे पुलक शरीरा, हरि हरि बोली थी बोली थी। कब ऐसा दिन आएगा प्रभु, कब कि मैं गोरंग नाम लूंगा और मेरा शरीर गदगद हो जाएगा।
अति संय बड़ भागी चरण लागी जुगल नयन जल धार वहे अति संय बड़ भागी चरण नी लागी जुग जाया ना जला तारा माही अति निर्मल पानी अस्तुति ठाणी 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 ज्ञान गम्य जय रघुराई राजीव बिलोचन भव भय मोचन पाई पाही शरण आई राजीव बिलोचन भव विमोचन पाई पाई शरण आई पाई देवी अलिया दोनों हाथ हे राजीव लोचन उसी प्रकार यहाँ ध्रुव के सामने भगवान खड़े हैं। ध्रुव को हो रहा है कि कुछ स्तुति की जाए, ध्रुव को हो रहा है मन में कि कुछ स्तुति की जाए, लेकिन क्या स्तुति करे? छह पांच वर्ष का बालक है, क्या स्तुति करेगा भगवान का? वेद बनंता जिसका गुण वेद गाता हो, वो पांच वर्ष का बालक क्या करेगा? लेकिन भक्तों शास्त्र का सिद्धांत, शास्त्र का सिद्धांत, जब कोई व्यक्ति कृष्ण की भक्ति करता है ना, राम की भक्ति करता है ना, तो उसके ऊपर भगवान की कृपा होती है और भगवान सारा ज्ञान प्रदान करते हैं, सारा ज्ञान। उसी समय कहते हैं भगवान विष्णु के हाथों में पंचजन्य शंख था और भगवान ने उस पंचजन्य शंख को ध्रुव के गाल से स्पर्श कराया और जैसे ही गाल से स्पर्श कराया तो कहते चारों वेदों का ज्ञान ध्रुव के सामने प्रकट हो गया, हृदय में प्रकाश आ गया। बहुत सुंदर, बारह श्लोकों में अद्भुत स्थिति कहते हैं। मैं कहने ही जा रहा हूं भगवान की कृपा हो जाए तो ज्ञान प्रकट होने में बहुत समय नहीं लगता है ना? यदि हम अपने बच्चों को बुद्धिमान बनाना चाहते हैं, ज्ञान देना चाहते हैं, तो उसे भगवान की भक्ति कराए। एक बार भगवान प्रसन्न हो गए ना, ज्ञान तो मामूली चीज है जी, वो तो तुरंत मिल जाता है। इस प्रकार से ध्रुव महाराज, बहुत सुंदर विषय तो बहुत बड़ा है भक्तों, लेकिन हमारे पास समय मात्र दो ही दिन है, आज और कल। आज तो आधा बीत गया, बस थोड़ा सा बचा हुआ है ना? और इस प्रकार से चौथे स्कंद में ध्रुव के चरित्र और महाराज मनु के वंशजों का वर्णन, पांचवें में महाराज प्रियव्रत का वर्णन, क्या क्या पुत्र थे मनु महाराज के? उत्तानपात और प्रियव्रत। प्रियव्रत बड़े थे, उत्तानपात छोटे थे, लेकिन पहले उत्तानपात की कथा बताते हैं, फिर प्रियव्रत की कथा बताते हैं। तो प्रियव्रत महाराज की बड़ी सुंदर कथा है कि प्रियव्रत महाराज शादी नहीं करना चाहते थे, ब्रह्मचारी रहना चाहते थे। तो
फिर मनु महाराज आए बताए कि अरे नहीं 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 आपको जो है सो विवाह करना पड़ेगा और विवाह करिए। तब मना किए नहीं विवाह नहीं करूंगा। तो मनु महाराज अपने पिता ब्रह्मा के पास गए, बोले महाराज विवाह करने का आदेश तो है लेकिन पुत्र मान नहीं रहा है, क्या करें क्या करें। ब्रह्मा जी आए तो देखे कि महाराज प्रियव्रत के सामने नारद जी खड़े हैं। समझ गए कि ये नारद का कर्तव्य है। लेकिन फिर बताया कि बेटा प्रियव्रत ने भी बहुत सुंदर संदेश दिया है कि अगर जीवन में कृष्ण की भक्ति करना चाहते हो, राम की भक्ति करना चाहते हो तो ब्रह्मचारी रहो। विवाह करने से बहुत टेंशन हो जाता है, संभल के विवाह करना, तुम लोग अभी छोटे छोटे बच्चे हो, ऐसे जरूरत नहीं है करने की। करके क्या कर लिया हमारे पूर्वजों ने बता। विवाह करने से भक्ति नहीं हो पाती है। कुछ लोगों को लगता है कि अरे विवाह किया हुआ व्यक्ति का देखो गाल एकदम लाल है, लगता है काजू और बादाम खा के हुआ है, उसे नहीं पता कि ये बीवी के थप्पड़ खा के हुआ है, है ना। इसीलिए ज्यादा नहीं करना चाहिए। खैर मैं कह रहा था, लेकिन फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कहे बेटा तुम्हारे अंदर वैराग्य है, अब मैं वैराग्य को रखो, वैराग्य को रखो, वैराग्य को अंदर रखो और बाहर से एक संसारी पुरुष की तरह रहो, विवाह करो, भगवान की भक्ति करो। प्रियव्रत फिर इनकी बात मान लिए और विवाह किए और उनके ही परंपरा में आगे ना महाराज नाभि और मेरु देवी की पत्नी मेरु नाभि और मेरु देवी के गर्भ से भगवान ऋषभ देव का जन्म 24 अवतार में से एक। और आप जानते होंगे जैन धर्म है, है ना, तो ये जितने भी जैन बंधु लोग हैं, जैन भाई लोग हैं, ये लोग क्या मानते हैं महाराज ऋषभ देव को अपना प्रथम तीर्थांकर मानते हैं, है ना। तो ऐसे भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र और 100 पुत्रों को उपदेश देते हुए ऋषभ भगवान कहते हैं कि हे मेरे पुत्रों, ये जो जीवन मिला है ना, हे पुत्रो, बहुत सुंदर कहते हैं ऋषभ वाच नायम देहो देभाजाम निर्लोके कष्टान कामान हर्तविं भुजाय तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम् शुद्धेति यश्म ब्रह्म शोक्यम तु अनंतम्। हे पुत्रो, हे मेरे पुत्रो, इस संसार के समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है, हवा कैच करता है, आप माइक बंद क्यों नहीं कर लेते हैं। हे मेरे पुत्रो, इस संसार के समस्त देहधारियों में मनुष्य देह प्राप्त हुई है ना, उसे ऐसे ही इंद्र तृप्ति में नहीं गंवाना चाहिए। अरे बटन दबाओ, बंद हो जाएगा। बंद है? कौन कैच कर रहा है? हे पुत्रों, ये जो मनुष्य जीवन मिला है ना, केवल इंद्र तृप्ति के लिए नहीं मिला है, केवल घूमने खाने पीने मौज मस्ती करने के लिए नहीं मिला है। अब बताइए मनुष्य और पुरुष पशु में क्या अंतर है? कोई अंतर है? आज के पढ़े लिखे मूर्ख लोग तो कहते हैं कि अरे क्या, हम लोग भी तो फर्स्ट क्लास पुरुष, थोड़ा सा अपग्रेडेड एनिमल है, हम लोग भी तो एनिमल ही है।
क्या अंतर है मनुष्य और पशु? कोई अंतर नहीं है। अगर जीव भक्ति नहीं करता है तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं है। अब बताइए क्या अंतर है? पशु भी खाना खाते हैं, आप लोग भी खाते हैं। पशु भी सोता है, आप लोग भी सोते हैं। आप लोग कहेंगे प्रभु जी हम लोग बढ़िया बढ़िया खाना बना करके खाते हैं। कुत्ते को पूछो उसको वही टेस्टी लगता है, है ना? वह मल देख करके नहीं करता, ये मल है, बोलता वाह लजीज भोजन। खाली बता रहा हूं, है ना? वो कभी नहीं देखता है। या फिर मच्छर, मच्छर कभी नहीं सोचता है कि ये व्यक्ति सो रहा है, वो तो सोचता है वाह कितना सुंदर भोजन है, है ना? और उसमें भी भगत रहे तो बोलेंगे अरे इसका तो ब्लड भी प्रसाद से बना है, महाप्रसाद करने की भी आवश्यकता नहीं है, पी जाओ उद्धार हो जाएगा, है ना? तो वो भी खाना खा रहे हैं, आहार हो गया, निद्रा, आप भी सोते हैं, पशु भी सोता है, सोता है कि नहीं सोता है? आप बोलेंगे प्रभु जी हम लोग पलंग पे सोते हैं। आजकल के कुत्ते के लिए भी स्पेशल स्पेशल पलंग आता है। कहाँ गई बिपाशा माता जी, नहीं आई है? क्या कर रही है? काय का तो वह भी सोते हैं, भी सोते हैं। भाई आपको अगर कोई मारने आता है तो अपने आप को बचाते हैं कि नहीं? कुत्ते को बिल्ली को मारने जाते हैं तो अभी अपने आप को बचाता है कि नहीं? देखा है कभी? तो भाई वो अभी अपने आप को प्रोटेक्शन करता है, आप भी प्रोटेक्शन करते हैं। बच्चे उत्पन्न, मनुष्य भी बच्चे उत्पन्न करता है और पशु भी बच्चे उत्पन्न करता है। उसमें तो वही लोग आगे हैं, एक साथ 10-12 बच्चे उत्पन्न करते हैं कुत्ते, है कि नहीं? अब बताइए फिर अंतर क्या है? कौन बता सकता है क्या अंतर है? क्या अंतर है? मनुष्य धर्म कर सकता है, भगवान की भक्ति कर सकता है, पशु कर सकता है। कुत्ते को बोलो एक फूल ला करके दो तो कृष्ण को लाके दे पाएगा? वो नहीं लाके दे पाएगा। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतर पशुर। धर्मेण विहीना पशु भी समाना। और मनुष्य अगर धर्म के विहीन है तो फिर वो क्या है? पशु के समान है। आजकल थोड़ा पढ़ लिख जाते हैं ना, उसके बाद वो कहेंगे हाँ भगवान विज्ञान कुछ नहीं है, हम नहीं मानते हैं। मतलब वो जानवर हो गया है, थर्ड क्लास का जानवर, तो कैसे मानेगा, है ना? तो नहीं मान सकता है वो। तो मेरे पुत्रों कि मनुष्य जीवन जो है ना खाली आहार निद्रा भय मैथुन के लिए नहीं मिला है। अब थोड़ा विचार करिए, क्या यही चार कार्य आप भी करते हैं और पशु भी करते हैं? आप नौकरी कर रहे हैं किस चीज के लिए? मन में प्रश्न हो कि प्रभु जी हम लोग खेती कर रहे हैं किस चीज के लिए? खाने के लिए ही? बिजनेस कर रहे हैं किस चीज के लिए? खाने के लिए ही है ना? फिर क्या अंतर है? यही अंतर है। तपो दिव्यम पुत्र का ये नशत्व। हे मेरे पुत्रों, दिव्य तप करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। दिव्य तप करो। और इस गांव के लोग बड़े तपस्वी हैं। बार बार बोलने के बाद भी सवेरे एक दो जन बड़े भूल भुलैया की तरह आते हैं जप करने के लिए अथवा मंगला आरती में। कथा में भी तो देख ही रहा हूं क्या स्थिति है। मेरी पहली ऐसी कथा होगी आज तक, हमने ऐसी कहीं नहीं कथा की है जहां छठा दिन हो और कोई नहीं, मतलब आधा पंडाल भरा हो, पहली कथा होगी। प्रभु जी कह रहे हैं प्रभु जी गांव में घूमते घूमते थक गए हैं, खैर नहीं आ सकते, मतलब गांव के लोगों में स्वीकृति नहीं है, सौभाग्य नहीं है। अब किसी के दुर्भाग्य का हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते।
खैर जो भी आए हैं वो तो बहुत सौभाग्यशाली हैं, वो भी ऐसे ही आ गए, अरे चलो ठीक है, बुलाते रहते हैं आके घर घर पे तो जाना पड़ेगा, ठीक है लेकिन आए हैं तो ठीक है। तो तपस्या में लगाओ, ऐसी तपस्या करोगे तो तुम्हारा जीवन क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को बहुत सुंदर उपदेश किए, बहुत सुंदर उपदेश दिए, पूरा एक अध्याय ही सुखदेव गोस्वामी ऋषभदेव के उपदेश के ऊपर लिखा है, पूरा एक अध्याय है ना, जिसमें वो किस प्रकार से बताते हैं कि किस प्रकार से भक्ति करनी चाहिए, मेरी भक्ति करो, कृष्ण की भक्ति करो, है ना। और फिर इसी पांचवें स्कंद में भरत महाराज के चरित्र का वर्णन कि किस प्रकार से भरत महाराज इस पूरे अज्ञाब के राजा हुए, ऋषभदेव के पुत्र 100 पुत्र में से एक वह इस अज्ञाब भरतवर्ष के राजा हुए, और किस प्रकार से उन्होंने अंतिम समय में एक हिरण में आसक्त हुए, अपने शरीर को त्यागा और अगला जन्म हिरण के रूप में हुआ, और उसका अगला जन्म जड़ भरत के रूप में, यही जड़ भरत जी भक्त, डाकू लोग देवी काली की उपासना कर रहे थे, और उपासना करते करते अब जानते हैं नरबलि की, नरबलि बोले नरबलि देंगे तो देवी काली प्रसन्न हो जाएगी, तो एक मनुष्य को पकड़ के ला रहे थे, क्या दिव्य वचन चल रहा है वहां पे, माइक हरि बोल माता जी, हरि बोल, नहीं माता जी ना तो प्रभु जी हल्ला कर रहे हैं, माइक दिलाऊं प्रभु वहां पे कुछ सुनाएंगे दिव्य वचन, नहीं चार लोग हैं, चार लोग में अगर आपस में गप करेंगे तो मुझे क्यों बुलाया। तो बलि देने के लिए किसी व्यक्ति को ला रहे थे तो वो व्यक्ति छूट करके भाग गया, तो देखिए जड़ भरत जी खेत में बैठ करके काम कर रहे थे, बोले ये अच्छा है, देखो खाए मोटा तो आ जाते, बोले इसको बलि देंगे ना तो देवी काली खुश हो जाएगी, बोले ठीक है, पकड़ के ले आए, बहुत सुंदर खिलाया पिलाया, और सवेरे 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 उनको उठाया और बहुत सुंदर स्नान कराया, माला पहनाया और बहुत सुंदर उस काटने वाला होता है ना उसमें उसके मुंडी को रख दिया, बहुत सुंदर चम 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 करते हुए तलवार लेकर के डाकू का सरदार खड़ा हुआ और उनको काटने ही जा रहा था कि उसी समय देवी काली अपनी मूर्ति को फोड़ कर पकड़, और सर्वप्रथम उस डाकुओं के जितने अनुचर थे सबके सर को काट दिया, डाकू के हाथ से तलवार छीन ली और डाकुओं के सरदार के मस्तक को काट दिया। वहीं पर देवी काली कहती है, हे जड़ भरत जी हमें क्षमा करिएगा, मेरे उपासकों में बुद्धि नहीं होती है, उन्हें लगता है कि मैं नरबलि से इन सारे चीजों से सुखी हो जाऊंगी, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है। और फिर यही जड़ भरत जी भक्तों आगे चल करके राजा रहुगण को ज्ञान दिए, राजा रहुगण तीर्थ करने के लिए जा रहे थे, पालकी में जा रहे थे, कुछ लोग पीछे कुछ लोग आगे चल रहे थे, तो एक व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई, राजा जड़ भरत जी को देखा, बोला रे ये तो ठीक है, बोले थोड़े हमारे महाराज की पालकी उठाओगे, कुछ बोलते नहीं थे, जड़ भरत थे एकदम शांत रहते थे, गए बोले ठीक है उठा लिया, उठा के जा रहे थे, अब तो ये महावैष्णव थे, रास्ते में चींटियां मिलती तो उछल के पार होते, वहीं से वह राजा रहुगण चिल्लाता है, अरे क्यों उछलता है, मुझे दिक्कत हो रही है, बार 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 इस प्रकार चिल्लाने लगे, लास्ट में जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो पालकी को रुकवा करके नीचे उतरे और जड़ भरत जी को बहुत धमकाने लगे। फिर वहीं पर राजा रहुगण और जब पूर्व में यज्ञ होता था ना और तपस्या होती थी तो वहां पर ऐसे ही कुछ असुर गण आते थे, करते थे हुआ हुआ,
तो ये उनसे कम नहीं है, है ना। हुआ हुआ की वजह ना, उनका कार्य ही था। असुरों का कार्य क्या होता है? कथाओं में डिस्टर्ब करना। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऐसा आप देख सकते हैं खोल करके। और उन्हीं को मारने के लिए कौन गए थे? भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी। बहुत मारे, इतना मारे कि सात कोस दूर जा करके गिरा। तो इस प्रकार राजा रघुगण को फिर जड़भरत जी वहां पर बहुत सुंदर ज्ञान देते हैं पांचवां स्कंद में। छठे स्कंद में बहुत सुंदर एक कथा आती है भक्तों, अजामिल की। किनकी कथा? अजामिल। अजामिल जानते हैं आप? अजामिल बहुत बड़ा पापी था, बहुत बड़ा पापी। बैठ जाइए आप लोग, ऐसे कोई खड़ा है, कोई उछल कूद कर रहा है, ठीक बात नहीं है। कथा में आए हैं, भगवान की कृपा से आपको कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, शांति से सुनिए। तो अजामिल भक्त तो बहुत बड़ा पापी था, बहुत ही बड़ा पापी, दिन रात पाप करते था। तो ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, लेकिन पाप करने लगा। पाप करते 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 बहुत पाप करने लगा। एक वैश्या से विवाह किया और बहुत सारे पुत्र हुए, और उन पुत्रों की देखभाल, अब 10-15 पुत्र हो जाए तो कैसे देखभाल करेगा? अद्भुत गांव है, चार लोग गिन के आए हैं, मैं गिन पा रहा हूँ, 23 लोग हैं। ज्यादा है, ज्यादा है, फिर भी हल्ला कितना कर रहे हैं? क्या फायदा है हल्ला करके? अभी सुना ने कथा में डिस्टर्ब कौन करता है? असुर बनना है, लग तो रहा है, नहीं बनना है, तो बैठ के कथा सुनो। ये हमारे हमारे इतिहास है भक्तों, इसे मैं जानना चाहिए। आपको लगा क्यों इतना वर्णन कर रहे हैं? कुछ अच्छा रोमांचित कथा सुनाते हैं, सुनाऊंगा, लेकिन ये भी वर्णन सुनना चाहिए। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर कहा कि भाई अजामिल तो एक वैश्या से विवाह किया और बहुत सारे पुत्र हुए उसके। अब यह अजामिल उनका भरण पोषण करने के लिए दिन रात लगा रहता था, दिन रात। कभी चोरी करता, कभी डकैती करता, कभी ये कभी वो, ना जाने क्या क्या करते रहता। एक दिन गांव में, जैसे आपके गांव में संतों का समाज घूम रहा है ना, अभी कुछ दिनों से जाते हैं ना भगत लोग डेली डेली कि भैया हरिनाम संकीर्तन में आओ, नाम जप करो, कथा करो, कथा सुनने के लिए आओ। तो वैसे ही साधुओं की एक टीम आई, एक टोली आई, और वह टोली जा रहा था, जा रहा था। और कुछ लोगों ने मजाक करते करते कह दिया, संतों ने पूछा कि अरे इस गांव में कोई अच्छा व्यक्ति है जिसके घर पे हम लोग जाकर के रह सके? तो लोगों को मजाक सूझी और बोल दिया, हाँ अजामिल बहुत अच्छा व्यक्ति है, उसके घर पे चले जाओ, कोई पाप नहीं करता है। लेकिन भक्तों ध्यान रखिए, संत मजाक में जाए, क्रोध में जाए, या बहुत अच्छे तरीके से जाए, वह हमारे उद्धार का कारण ही बनता है, उद्धार का ही कारण बनता है। किसी भी तरीके से जाए, वह संत गए उनके घर पे, और जाते ही पता चल गया आखिर संत हैं, जाते ही पता चल गया कि भाई ये जो है सो क्या है, पापी व्यक्ति है, बच्चों ने मजाक किया है हमारे साथ। बल ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी कोई बात नहीं। देखा, पूछा कुछ खाओगे? बोला नहीं। अब सेवा तो लिया, उनके घर पे तो गया, और संत का स्वभाव होता है कि खाली हाथ कुछ लेते नहीं, कुछ देते हैं। बोले माता, देखा कि गर्भ में बालक है। बोला माता, जब तुम्हें पुत्र होवे ना, तो तुम अपने पुत्र का नाम नारायण रख देना। क्या रख देना? नारायण रख देना, ठीक है। कुछ दिन के बाद नारायण पुत्र का जन्म हुआ, और उसकी माता ने उसका नाम रख दिया नारायण।
अरे माता जी दिन क्या करते हैं आप दिन में? जग जाओ, बोलो दोनों हाथ खड़ा करके, दोनों हाथ खड़ा करो, खड़ा करो दोनों हाथ, अरे खड़ा करो करो, आपको ही बोल रहा हूँ, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, बोलो मुख खोलो कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम राम। ताली बजा दो, अब नींद भाग जाएगी। तो क्या बोल रहा था अभी, कुछ सुनाई पड़ रहा था नींद में? नहीं सुना नहीं चाहिए था मैं। बोले अजामिल, जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, क्योंकि छोटा पुत्र था तो छोटे पुत्र के प्रति बड़ा प्रेम हुआ, और कहते हैं पहले ही दिन कहा नारायण मेरे गोद में आओ, और कहते हैं जैसे ही उसने नारायण कहा उसके सारे पाप जल करके नष्ट हो गए। हरि बोल, ये भगवान के नाम की महिमा है। केवल और केवल भगवान का नाम ले लेने से व्यक्ति के जीवन के सारे पाप जल करके नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तब मानो मैं ऐसी कथा बिहार शरीफ में कर रहा था, है ना, यही अजामिल कथा कर रहा था, तो एक व्यक्ति प्रश्न किया, अरे लेकिन भगवान को तो बुलाया नहीं, तो भगवान ने कैसे अपना पाप नष्ट कर दिया? और आगे कथा है कि थोड़ा सुनाता हूं, उसके बाद बताऊंगा उसका प्रश्न। तो धीरे 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 वह अजामिल बड़ा होने लगा, समझ जाऊंगा, नारायण बड़ा होने लगा, बड़ा होने लगा, बड़ा होने लगा, और बड़ा होते 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 जब बहुत थोड़ा बड़ा हो गया तो अजामिल की मृत्यु होने लगी, तबीयत खराब हो गया, मरने ही वाला था। तो कहते हैं कि अजामिल मरने ही वाला था, यमदूत आए और उसके प्राण को आधा खींच लिया, आधा प्राण को खींच लिया है, आधा अंदर है, और उसी समय वो देखते हैं काजल के पहाड़ के समान एकदम काले काले लाल आंख वाले यमदूत आकर खड़े। अजामिल तो देख करके डर गया, बोले अरे बाप रे बाप, अगर मेरा बेटा देख लिया तो वह डर जाएगा, इसलिए बोला नारायण भाग जा। अब जैसे ही नारायण बोला भक्तों, तुरंत वहां भगवान के दूत प्रकट हो गए और यमदूतों को बोला गेट लॉस्ट, भागो यहां से, क्या कर रहे हो यहां? तो यमदूतों, अब भगवान के दूतों के तेज के सामने यमदूत क्या टिकेंगे, बहुत दूर चले गए और दूर से बोलते हैं देखो तुम लोग गलत कर रहे हो, हाँ ये बहुत बड़ा पापी है और हमारे महाराज तुम जानते नहीं हो, यमराज को बहुत मारेंगे तुम लोगों को। तो ये भगवान के दूत बोलते हैं तू हम लोगों को नहीं जानता, भागो नहीं तो बहुत मारेंगे। तो लोग भाग गए, बाद में यमराज के पास गए, यमराज ने पूछा, यमराज को बोला रे हैं आज से आखिरी आपकी नौकरी नहीं करेंगे, आज तो चार लोग हमें मार ही देने वाले थे, हमारा कोई इंश्योरेंस भी नहीं था, बच्चे और पत्नी का क्या होता? अरे आखिर बताओ क्या बात है? तो बहुत सुंदर बताया कि भाई आपने जहाँ भेजा था वहां पे चार लोग आए और वो लोग बड़े खतरनाक थे, हमें डांट करके भगा दिया। बताया कौन? जब वर्णन किया तो बताया मेरे दूतों वह भगवान के दूत थे। वो क्या बोल रहा था अजामिल? बोलते कि वो नारायण बोला और चारों लोग आ गए, तब वह भगवान को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे मेरे दूतों, इस संसार में जो भी व्यक्ति भगवान का नाम लेता हो, क्या लेता हो? भगवान का नाम लेता हो, जो भी व्यक्ति गले में तुलसी पहनता हो, जो भी व्यक्ति माथे पे ऊर्ध्वपुंड तिलक लगाता हो, उसके पास भूल से भी मत जाना, क्योंकि वह मेरे व्यक्ति नहीं है, वह किसके व्यक्ति हैं? भगवान के व्यक्ति हैं, वह मेरे व्यक्ति नहीं है। बाद बाकी जो आवारा व्यक्ति हैं उन लोगों को लेके आओ, लेकिन जो ऐसे लोग हैं उनको मत लाना, है ना? क्यों? आप इसको समझ सकते हैं साधारण तरीके से, आप लोगों को पता है या नहीं पता है। अभी जैसे यही देखिए, इनके पास एक कुत्ता है और गांव में भी बहुत सारा कुत्ता है कि नहीं? लेकिन इनके कुत्ते में, इनके कुत्ते के गले के पट्टे देख करके आप समझ जाते हैं ना कि ये
बिपाशा का कुत्ता है, इसको नहीं मारना है, इसको पत्थर नहीं मारो, है ना, इसका मालिक है, है ना। वैसे ही यह पट्टा देख करके, यह तिलक देख करके यमदूत समझ जाते हैं कि यह पालतू है, इसका मालिक है। और इसका मालिक कौन है? कृष्ण इसका मालिक है। इसलिए है मेरे दूतों, भगवान के व्यक्तियों को मत लाना। लेकिन जो तिलक नहीं लगाते हैं, जो हरिनाम नहीं लेते हैं, जो तुलसी नहीं पहनते ना, उन लोगों को पकड़ पकड़ के लाओ और नरक में खूब कूटो, खूब कूटो, है ना। कोई नहीं बचाएगा उन लोगों को। अभी गाना नहीं बजा सकते तो। तो इस प्रकार से तो मैं क्या बोल रहा था कि मैं ऐसी कथा किया, एक व्यक्ति आया था किसी दूसरे संस्था से, डॉट वाले संस्था से। माता जी इतना नींद कैसे आता है आपको? बाप रे बाप, ये कोई तपस्या है? उठ जाओ, एक बार खड़ा हो जाओ, खड़ा होके कथा सुनो, कथा सुनो, कथा में आए हैं तो। पानी पिलाओ माता जी को। तो बहुत सुंदर उस व्यक्ति ने प्रश्न किया कि प्रभु जी सब तो ठीक है, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आया, वह बुला रहा था अपने बच्चे को, लेकिन भगवान नारायण कैसे आ गए? तो देखिए भक्तों, ये भगवान के नाम की महिमा है। जैसे अगर आप फिटकरी को मिश्री समझ के खा लेंगे तो क्या वह मीठा लगेगा? हैं? लगेगा क्या? कोई छोटा बच्चा लेके आया है गोद में, छोटा बच्चा है माता जी के पास, एक छोटा बच्चा है। देखो माता जी, आप अगर आग में हाथ डालेंगे तो हाथ जलेगा कि नहीं जलेगा? बता, आप ही को पूछ रहा हूँ। गोद में बच्चा है ना आपका, बोलो हाथ जलेगा ना? हाँ, उन्हीं को पूछ रहा हूँ, नहीं ये बच्चा? अरे बोलो हाँ या ना, शर्माना नहीं है। क्या बोलेंगे आपकी भाषा में इनको? समझ नहीं पा रही है वो। हाथ जलता हो कि ना है? अरे ना, हाथ जलेगा आपका, जलेगा ना? मतलब हमारा बच्चा है। अब देखिए, मतलब हम बड़े व्यक्ति हैं, हम जान रहे हैं कि आग क्या करेगा, हमारे हाथ को जला देगा। हम जानते हुए अगर उसमें आग में हाथ डालेंगे तो हमारा हाथ क्या हो जाएगा? जल जाएगा, ठीक है ना। अब कोई छोटा बच्चा है, वह तो नहीं जान रहा है कि वह आग जला देगा, तो अगर उसमें वो हाथ डालेगा तो क्या करेगा? वो तो उसको नहीं जलाना चाहिए। हाँ, वो तो नहीं जानता, उसका भाव तो ऐसा नहीं था कि वह जल जाएगा। आग का कार्य है जलाना, भाव से हाथ डालो या बिना भाव से हाथ डालो, आग का कार्य है जलाना, वह और जलाएगा ही। उसी प्रकार से भगवान के नाम का कार्य है हमारे पाप को जलाना और भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त कराना, चाहे जान कर लो, अनजाने में लो, भाव से लो या कुभाव से। समझ रहे हैं बात? समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी। अरे भाई रहने दे छुरी, क्या फर्क पड़ता है? वह छुरी भगवान का नाम जप करते करते एक दिन क्या बन जाएगा? टूट जाएगा। नाम तो लो, वाल्मीकि कितना बड़ा विद्वान, कुछ भी नहीं, डाकू था जी, डाकू, तलवार था हाथ में, लेकिन केवल भगवान का नाम जप करते 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 इतना ज्ञान प्रकाशित हो गया कि इससे पहले भगवान श्री रामचंद्र पृथ्वी पर आवे और लीला करें, उससे पहले तो वो रामायण लिख दिए। अब बताइए, ये भगवान के नाम की कृपा है। जब भी कोई व्यक्ति भगवान का नाम जप करता है, भगवान का नाम जप करता है ना, तो भगवान क्या करते हैं? अपनी कृपा बरसाना शुरू कर देते हैं। आप जान करके जप करिए या फिर अनजाने में जप करिए, भगवान का ना काम है नाम का कि वह कृपा करेंगे ही और वह करेंगे ही। इसीलिए सनातन गोस्वामी कहते हैं, जयति जयति नामा नंद रूपम मुरारे। क्या कहते हैं? भगवान श्री मुरारे के नाम की जय हो।
विरमित निज धर्मा ध्यान पूजा दियतम। अब मुझे कोई पूजा पाठ कुछ भी नहीं आता है। कथम अपि शक्रिदातम मुक्तिदम प्राणिनाम या परम मम अमृतम एकम जीवनम भूषणम मे। कहते किसी भी प्रकार से, क्या कहते हैं, कथम अपि शक्रिदातम। अब मान लो कि प्रश्न हो कि प्रभु जी वो व्यक्ति बोल नहीं सकता है, चलो देख तो सकता है, नहीं बोल नहीं सकता है, सुन तो सकता है ना, अगर सुन भी लिया तो उद्धार है। अब मान लो कोई प्रभु जी गूंगा भी है और बहरा भी है, आंख तो है, आंख से अगर हरे कृष्ण महामंत्र देख लिया तो भी उसका उद्धार हो जाएगा। अब मानो फिर कहे नहीं प्रभु जी गूंगा भी है, बहरा भी है और अंधा भी है, अब कैसे उद्धार होगा। बोले कथम अपि, कहीं दीवाल में भी हरे कृष्ण महामंत्र लिखा है और व्यक्ति अगर हरे कृष्ण महामंत्र को छू लेता है, स्पर्श कर लेता है तो उसका उद्धार हो जाता है। यही भगवान के नाम की महिमा है भक्तों। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। कुछ लोगों को हम लोग जप करने के लिए कहते हैं प्रभु जी हमारा मन अभी शुद्ध नहीं है, अभी नहीं जप करेंगे। एक बात बताइए हमको, जब आप बीमार होते हैं तो बीमारी से ठीक होने के बाद दवाई खाते हैं कि पहले ना खाते हैं? तो ये दवाई है जी हमें शुद्ध करने का, पहले खाएंगे तब तो शुद्ध होंगे, भगवान का नाम लेंगे तब तो शुद्ध होंगे। इसलिए भगवान का नाम लीजिए, भले मन नहीं लगे। अरे छोड़ो ना, मन का कौन सोचता है, मन को छोड़ो, जान जान मन ना लगे क्या फर्क पड़ता है। अब नाम जप करो और भगवान की कृपा से आपका मन धीरे धीरे भगवान के नाम में लगने लगेगा, आप शुद्ध हो जाएंगे। इसलिए नाम जप करिए। भक्तों ने बहुत सुंदर यहाँ पर वृंदावन से माला मंगाया है, है ना, तो आप लोग माला लीजिए और अपने जीवन को धन्य करिए। देखिए अजामिल इतना बड़ा पापी हो करके भी उद्धार कर लिया, आप इतने बड़े पापी तो नहीं हो ना कि हो गया बताओ। नहीं प्रभु जी नहीं है, ठीक है तो नहीं है तो फिर नाम जप करिए। इस प्रकार से छठे स्कंद में अजामिल इत्यादि कथा, सातवें स्कंद में बहुत सुंदर कथा आती है प्रहलाद महाराज की। किनकी कथा आती है? प्रहलाद महाराज। इस कथा का वर्णन राशु यज्ञ में नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को सुनाते हैं। बहुत सुंदर कथा सुनाते हुए कहते हैं सप्तम स्कंद में कथा आती है भक्तों कि हमने सुना था कि दीति के दो पुत्र थे, कौन कौन, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। तो हिरण्याक्ष को तो हमारे वरा भगवान ने खत्म कर दिया, बच गया कौन, आज उसको भी मरवा ही देते हैं। क्या मरवा देना हिरण्यकश्यप को, भक्तों की इच्छा है तो मरवा देते हैं, कल कौन मार काट करे, अंतिम दिन है, आज ही मरवा देते हैं। तो कहते हैं कि जब हिरण्याक्ष का वध किया भगवान वरा ने, तो हिरण्याक्ष की पत्नी भानुमति और उसकी माता दीति को बड़ा दुख हुआ। क्या हुआ? बड़ा दुख हुआ। बोले अरे मेरे बेटे को मार दिया। उस समय हिरण्यकश्यप गया और बहुत सुंदर प्रवचन किया, हे माते तुम डरती क्यों हो, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युम ध्रुवम च मृत्युश्च च तस्मात् परिहार्यते न तुम सोचितुमर्हसि। हे माते डर क्यों सोच रही हो, जिसका जन्म हुआ है संसार में उसका मृत्यु निश्चित है, इतना चिंतित क्यों। बोले बात तो सही है। इस प्रकार से बहुत सुंदर प्रवचन किया भक्तों, और प्रवचन करने के बाद उनकी माता और उनकी पत्नी का मतलब भाभी का शोक दूर हो गया।
लेकिन ये खुद अंदर ही अंदर जल रहा था। ये है हिरण्याकश्यप जो दूसरों को बड़ा बड़ा बात बोले और अपने नहीं पालन करे। इस संसार में आज कुछ ऐसे व्यक्ति हैं कुछ जो बहुत बड़े बड़े उपदेश देते हैं दूसरों को लेकिन अपने जीवन में कोई पालन नहीं, तो उसको हिरण्याकश्यप कहा जाता है। इसलिए किसी को उपदेश देवे तो देख लेना कि मेरे जीवन में उतारा हूं कि नहीं। उसी समय ये असुर जानता था। मनी मन जलने लगा कि भगवान विष्णु को मारूंगा कुछ भी हो जाए मार दूंगा उसे भगवान को मारना। लेकिन सोचा कि भाई भगवान विष्णु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसको मार दूंगा, इसको मारने के लिए तपस्या करना पड़ेगा। तो कहते हैं उसी समय यह हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए वृंदावन चले गए। वृंदावन में 12 वन है यमुना नदी के तट पर, है ना। तो उसी में मधुवन नामक वन में हिरण्यकश्यप तपस्या करने लगे और जैसे ही तपस्या करने के लिए खड़ा हुए, आप तो जानते हैं वृंदावन की महिमा। वृंदावन के वृक्ष को मरमण जाने को डार डार और पात पात पर राधे राधे हो। वहां पे तो डार डार पर राधे राधे, पात पात पर डारे राधे, दिखसे वाले को राधे राधे। तपस्या करना प्रारंभ किया और जैसे ही तपस्या करना प्रारंभ किया तभी बीच में पेड़ पे बैठे हुए शुक और शारिका चिल्लाने लगे, क्या हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। डिस्टर्ब कर दिया दुश्मन का नाम भागो। लेकिन तपस्या के समय क्रोध करना सही नहीं है, तपस्या छोड़ दिया, बोले अब दूसरे जगह जाऊंगा। तो वहां से चल दिए, घर पे आए। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम क्या था, क्या था माता जी बताओ, आंखें खोल के बताओ क्या नाम था। अरे आप आगे बैठ करके इतना सोएंगी तो लगता है मैं सोने दूंगा आपको, सोना है तो पीछे बैठना। सवेरे सवेरे भक्त लोग बैठ करके जप करते हैं ऑनलाइन, तो मैं उनको ऑनलाइन नहीं सोने देता हूँ, आप तो सामने बैठे हो, सोने ही नहीं दूंगा, है ना। अब उधर जाके बैठे अगर कुर्सी के पास या फिर वो पेड़ के पास, तब कोई ऑप्शन है माता जी, अगर इतना सोना है तो, है ना। थोड़ा एक बार आप खड़ा होकर बैठो तो नींद टूट जाएगा माता जी, एक बार खड़ा हो जाओ आप। तपो दिव्यका पुत्र, अभी भगवान ने बोला तपो दिव्यम पुत्र का शत्रु, एक बार खड़े हो जाओ, आप नहीं सोएंगे ना, अब नहीं ना सोएंगे, सोएंगे क्या। हाथ मत बांधिए माता जी, नहीं नींद लगेगा, हाथ खोल दीजिए, नींद नहीं लगेगा। तो देवी कयाधु, क्या नाम था हिरण्यकश्यप की पत्नी का, कयाधु, क्या नाम था माता जी, बोलिए बोलिए बोलिए, शर्माइए नहीं, सोने में शर्म नहीं, बोलने में कैसा शर्म, बोलिए कयाधु, क्या नाम था, कयाधु। तो कयाधु उनसे पूछे कि भाई पतिदेव आप इतने जल्दी वापस क्यों आ गए, पतिदेव आप इतने जल्दी वापस क्यों आ गए, आप तो लंबे समय के लिए तपस्या करने के लिए गए थे। तो बोले अरे वो वहां गया वृंदावन में और तपस्या करना शुरू ही कर रहा था, लेकिन वो बगल वा बगल पेड़ में बैठा हुआ था शुक शरीका, वो लोग चिल्लाने लगे। बोले अब छोड़ो क्या दुश्मन का नाम लेना, बोले नहीं पति देव बताओ ना क्या बोला, बोले नहीं 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 यार छोड़ो मैं क्या पूछना, दुश्मन का नाम क्या लेना, अरे बोलो 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 बोलो। और आप जानते हैं इस संसार में स्त्री हट बहुत प्रसिद्ध है, महाराज दशरथ बहुत बड़े राजा हुए, दसों दिशाओं में रथ चलता था, लेकिन स्त्री के सामने कहीं रथ नहीं चला, है ना, कहीं कहीं के सामने लाचार हो गए, बोल देते नहीं भेजूंगा जो करना है सो कर लो, नहीं बोल पाए और भगवान श्री रामचंद्र को वन में जाना पड़ा।
कयाधु ने कहा बार बार वापिस क्यों आए, बताओ 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 बताओ। फिर बोले अरे वो वृंदावन गया तपस्या करने के लिए, बैठा ही था तब तक बाजू वाला बोल पड़ा, अरे बोलो क्या बोला, अरे छोड़ो क्या दुश्मन का ना, नहीं बोलो, अरे छोड़ो, अरे बोलो, अरे छोड़ो, अरे बोलो, अरे छोड़ो, अरे बगल वाला बोल दिया हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे। बस जैसे ही हरे कृष्ण महामंत्र बोला, कयाधु के गर्भ में बालक आ गया। ध्यान रखिए, असुर था लेकिन गर्भाधान हुआ भगवान के नाम से, भगवान के महामंत्र से कृष्ण कंसिस्टेंस हो गई। और इसी के प्रभाव से भक्तों इनका पुत्र महाभागवत भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद महाराज हो गए। तो अब बोले कि अब जो है ना, अब वृंदावन नहीं जाऊंगा, अब जाऊंगा बिहार। कहां जाऊंगा? और बनाऊंगा। लेकिन उस समय के हिरण्यकश्यप भी इतने गंदे काम नहीं करते थे, बोले नहीं जाऊंगा मंदराचल। कहां जाऊंगा? मंदराचल कहां है? मंदार पर्वत कहां है? हाँ भागलपुर में नहीं, बांका है ना, 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 ना बोले बांका जाऊंगा और वहां करूंगा तपस्या। यही आपसे देवघर से कितना पड़ता है? 100 किलोमीटर। नहीं आपके इधर से भी वही भागलपुर से 50 किलोमीटर माता जी बोल रही है, तो वहीं पे वह हिरण्यकश्यप तपस्या करने लगा। और कहते हैं हिरण्यकश्यप राजन अजेय अजर अमरम आत्मनम अप्रतिद्वंद्वम एक राजम वैधिष्ठिर। अजर अमर बनने के लिए तपस्या करने के लिए एक पृथ्वी पे एक छत्र सम्राट बनने के लिए तपस्या करने लगे। और उनकी तपस्या का वर्णन करते हुए कहते हैं सहते पे मंद्र द्रोणे तप परम दारुणम ऊर्ध्व बाहु नभ दृष्टि पाद अंगुष्ठ आश्रित आवनिह। परम दारुणम तपस्या करने लगे, खतरनाक तपस्या। देखिए भक्तों तपस्या अनेकों लोग करते हैं, जब देवता लोग तपस्या करते हैं, भक्तगण जब तपस्या करते हैं तो उस तपस्या का अर्थ क्या होता है? सब लोगों का भला हो, सभी जगत का भला हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निर्मलाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भक्तगण जब तपस्या करते हैं ना तो उसका यही मतलब होता है कि जगत के लोग सुखी हो, है ना। लेकिन जब असुरगण तपस्या करते हैं ना तो परम दारुण तपस्या करते हैं दूसरों को दुख देने के लिए, है ना। तो प्रचंड तपस्या शुरू किया और केवल पांव के अंगूठे के बल खड़ा रह गया, वो भी एक दिन नहीं दो दिन नहीं, कितने दिन के लिए? 36,800 वर्षों तक। कितना? 36,800। फिर भी इनका मन शुद्ध नहीं हुआ। अब वहीं थोड़ी देर पहले ध्रुव महाराज देखिए कितने दिन की तपस्या किए, केवल 6 महीना हृदय शुद्ध हो गया। मांगने आए थे राज्य, अब भगवान को बोल रहे हैं कि प्रभु राज्य नहीं चाहिए, क्या करूंगा राज्य लेकर के, मुझे आपकी भक्ति चाहिए। लेकिन भगवान बड़े कृपालु हैं, बोले ध्रुव तेरी इच्छा थी ना कि तेरे दादा से तुझे बड़ा राज्य मिले? बोले हाँ ध्रुव लोग दे रहा हूँ तुझे, देख लेना अभी भी उधर ही ऊपर दिख रहा होगा, है ना। और एक मजे की बात बताऊं, जो व्यक्ति केवल गीता सुन लेता है ना, केवल गीता सुन लेता है, उसका ध्रुव लोक का टिकट कंफर्म हो जाता है। इसलिए आप लोग गीता सुनो, ठीक है, पढ़ो गीता, गीता सुनो। तो ये बहुत भयंकर तपस्या करने लगे और कहते हैं 36,500 साल में उनके मांस खून हड्डी सब लोग कीड़े मकोड़े खा गए। 36,500 वर्ष तक लगातार तपस्या और उसकी तपस्या से शरीर से एक प्रचंड अग्नि उत्पन्न हुई। तेन तप्त दिव्यम दिवं त्यक्त्वा ब्रह्मलोकं ययुषुरः। और वो ब्रह्म वो अग्नि प्रचंड अग्नि दसों दिशाओं को जलाने लगी। देवताओं के देवताओं को पता चला, देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को बताया तो ब्रह्मा जी उतना सीरियस नहीं हुए। बोले ब्रह्मा जी जानते हो क्यों तपस्या कर रहा है? बोले क्यों? बोले उसे ब्रह्मलोक चाहिए। अब अपनी कुर्सी किसको प्यारी नहीं? बोले अभी जाता हूँ उसके पास। आया ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहे थे, पहले तो ब्रह्मा जी खोजने लगे अरे ये है कहाँ पे, खाली आवाज अंदर से आ रहे थे,
है ना, तो ब्रह्मा जी ढूंढे और अपने कमंडल से गंगा जल छिड़का। भागवत में आया है कि गंगा जल स्पर्श होते ही हिरण्याकश्यपु का शरीर वज्र के समान कठोर हो गया और अपने निस्वरूप में आ गया। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या खुश से खुश हूं, जो चाहिए मांगो। बोले यदि दाशसि यदि मतान वरान में वरद उत्तम भूते विसृष्टि मृत्यु मा भूत मम प्रभु। हे ब्रह्मा जी, आपको मुझे वरदान देना है तो मुझे अमर अजर अमर बना दो। ये असुरों का मांग है। जब भी कोई असुर तपस्या करता है ना तो बस यही मांगता है, अजर अमर बना दो। रावण भी तपस्या किया तो यही मांगा है ना। ब्रह्मा जी ने कहा अरे अमर तो मैं खुद नहीं हूं तो तुझे कहां से बनाऊंगा, मैं तो खुद मरना पड़ता है। ब्रह्मा जी की आयु कितनी? 100 साल। हमारा 100 साल नहीं, उनका 100 साल, हमारा कितना अरब कितना करोड़ साल। जब बोले कि अजर अमर नहीं बना सकता, कुछ लोग अपनी बुद्धि बहुत चलाते हैं। जब बोला कि नहीं वह बना सकता तो हिरण्यकश्यपु अपनी बुद्धि चलाए, बोले अच्छा ये ऐसे नहीं मानेगा, बोले कान ऐसे नहीं पकड़ा, ऐसे करके पकड़वाऊंगा ब्रह्मा जी से, रुको। बुद्धि लगाए, बोले ठीक है मत दीजिए, मुझे वरदान दीजिए कि मैं ऊपर ना मरूं, नीचे ना मरूं, दिन को ना मरूं, रात को ना मरूं। हिरण्यकश्यपु को याद आया मेरे भाई को किसी पशु ने मारा था, बोले किसी पशु से ना मरूं, मनुष्य से ना मरूं, देव से ना मरूं, असुर से ना मरूं, अस्त्र से ना मरूं, शस्त्र से ना मरूं। ये सब लिखवा लिया, एक सर्टिफिकेट बनवा लिया और नीचे साइन करवा लिया ब्रह्मा जी, साइन करवा लिया भगवान ब्रह्मा जी को ठग लिया। वैसे अमर होने का वरदान नहीं मिला तो ऐसे ले लिया। लोग सोचते हैं कुछ, आज भी लोग बड़े विद्वान होते हैं, 10 रुपए का नारियल लेके जाते हैं हनुमान जी के पास और बोलते हैं महाराज हमारा 10 करोड़ वाला काम करवा दो। एक व्यक्ति था, उसको पुत्र नहीं हो रहा था, हनुमान जी के पास गया, कहा हनुमान जी महाराज मुझे पुत्र हो जाए ना तो आपको हीरे का हार पहनाऊंगा। अब किसके पास जाना चाहिए भी पता नहीं है। ब्रह्मा हनुमान जी बेचारा ब्रह्मचारी है, उनसे पुत्र मांगने ले ठीक है, हनुमान जी की कृपा से पुत्र हो गए। तो उनकी पत्नी ने बोला अरे अब जब पुत्र हुआ तो इनका नाम रखा हीरा। क्या नाम रखा? हीरा। तो उनकी पत्नी ने बोला अरे सेठ जी अब हनुमान जी को हार पहना दो। बोले अरे पहनाऊंगा ना, अभी तो छोटा है, मर उड़ गया तो बड़ा होने दो, थोड़ा बड़ा हो गया, मैट्रिक पास कर लिया। बोले अरे अब तो पहना दो, मैट्रिक पास कर लिया। बोले अरे विवाह तो होने दो, कल किसने देखा है, कहीं कुछ हो गया तो। बोले ठीक है, कुछ दिन के बाद विवाह भी हो गया। बोले अरे अब तो पहना दो। बोले ठीक है चलो पहना देते। बहू और बेटे को लेकर के गए बजरंग बली के मंदिर में और कहा बजरंग बली याद करो वो दिन क्या बोला था तुमको, बोला था ना कि हीरे का हार पहनाऊंगा, ये रहा मेरा पुत्र हीरा और ये देखो इसके गले में है हीरे का माला, ये आप पहनो हीरे का माला। कुछ लोग देवी देवता को कुछ लोग नहीं समझे, कल हंसिएगा है ना। तो हिरण्यकश्यपु अपने बुद्धि से लगभग अजर अमर बन गया। अब पूरे संसार के लोगों को ललकारता शक्तिशाली होकर के युद्ध करने के लिए गया, अरे युद्ध करो युद्ध करो। और जब संसार के लोग इनसे लड़ने के लिए आते थे ना राजा, तब ये क्या करता, रुको 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 थोड़ा ये पढ़ लो तो क्या है, और देते इसको पढ़ने लगता, अरे ऊपर से नहीं मरूं, नीचे से नहीं मरूं, दाएं बाएं आगे पीछे जानवर मनुष्य शास्त्र शस्त्र किसी से नहीं मरूं, नीचे ब्रह्मा जी। तो सामने वाला तो पहले ही सरेंडर करता था, माई बाप आपसे कौन जीत सकता है, आप तो महात्मा है। तो इस प्रकार से पूरे पृथ्वी का एक चक्र चक्रवर्ती सम्राट बन गया, पृथ्वी को जीत लिया और अब चल गया वह स्वर्ग लोक में, इंद्र लोक में चला गया और इंद्र में भी जाकर के वहां पे क्या करने लगा, उस लोक को जीत लिया। और जीतने के बाद स्वर्ग की गद्दी पर बैठ गया और वहां भी बैठे बैठे क्या करता था मालूम है, देसी शराब पीता था है ना,
देसी गर्म शराब। स्वर्ग में देवतागण कभी शराब नहीं पीते हैं, लेकिन वो लोग सोम रस पीते हैं, ताजे ताजे फ्रूट का जूस। लेकिन ये वहां पे भी जा करके देसी शराब पीता था। आप बोलेंगे प्रभु जी देसी शराब कैसे? तो भागवत में आया है तिब्रेण गंधेन। अब गंध तो हमें तो एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन गंध तो ऐसा सुना हो कि वो देसी वाले में ही होती है, तो वहां भी पीते कुछ लोग होते हैं, कहीं पर भी बिठा दो वैसे ही कार्य करेंगे। भागवत में भी आ करके परम धनी हो गया, परम ऐश्वर्यशाली हो गया, समस्त देवी देवताओं को अपने अधीन कर लिया। और जब ये हिरण्यकश्यपु केवल अपनी भौहें तरेरता था तो 33 करोड़ देवी देवता उनके चरणों में आकर के गिर जाते थे। बोल सरकार हमारे लायक क्या सेवा है। नारद मुनि इस कथा को सुनाते हुए कहते हैं कि मैं भी 24 घंटा नारायण का नाम लेने वाला नारद जब हिरण्यकश्यपु के पास जाता था तो कहता था हिरण्यकश्यपु महाराज की। अरे वो कहते थे आपको कहने की जरूरत थोड़ी है, आप तो बोलो नरसिंहदेव भगवान की जय। मुझे भी बोलना पड़ता था कि अरे बचा लो। इंद्र से घर पर झाड़ू मरवाता था, कुबेर जी पोछा लगाते थे, बोलता था कॉर्नर पे थोड़ा ज्यादा लगाना, है ना। इंद्र कुबेर चंद्र आदि देवता सब वहीं पे रहते थे, झाड़ू लेकर के, कोई द्वारपाल है इस प्रकार से। तो कहते हैं भक्तों बहुत आतंक जो होता है ना बहुत लंबा नहीं होता है, आतंक की कथा तो बहुत लंबी है। कहते हैं कि साधुओं की साधना बंद करवाया, ध्यानियों का ध्यान बंद कराया, मांसाहार करते जो लोग शाकाहारी थे उनको बोला मांसाहार करो, जो लोग शराब नहीं पीते थे उन्हें बोला शराब पियो, सबको बोले जो जो मांसाहारी लोग हैं शराबी लोग हैं सबको एक एक बंगला दे दो, और जो साधु लोग हैं उसको घर से निकाल दो, इन लोगों के घर में एक एक नल लगा दो जिसमें दिन रात शराब आवे, और जो नहीं है उसके घर का पानी काट दो। इस प्रकार से बहुत कहते हैं यहां तक कि पृथ्वी पर जितने पेड़ थे जितने भी खेत थे ये वृक्षों को धमकाता था और जबरन सालों भर उनसे फसल लेता था। हिरण्यकश्यपु का इतना शासन था, पृथ्वी से जबरन 12 मास पर फसल लेता था, सभी को रोज मारता था, देवी देवताओं को पकड़ पकड़ के कूटता था, करो बंदी बना करके करता था। और उस समय जब कहीं इन देवी देवताओं को शरण नहीं मिला तब वह कहां गए? भगवान कृष्ण के पास गए, भगवान विष्णु के पास गए, बहुत सुंदर स्तुति किया और कहा कि प्रभु हम आपको प्रणाम करते हैं। गए नहीं क्योंकि जाना मना था, जाएगा तो हिरण्यकश्यपु मार देगा, वहीं से मणिमन उस दिशा को प्रणाम किए जहां पे भगवान रहते हैं, प्रणाम किए, भगवान प्रकट हुए, बोले मैं चिंता मत करो, जब ये मेरे प्रिय भक्त प्रहलाद के ऊपर जब हिरण्यकश्यपु द्वेष करेंगे तो मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा और इसे मार दूंगा, जल्दी ही मार दूंगा। बोले तब देवी देवता बोले प्रभु आप जानते नहीं हो इसको ना ब्रह्मा जी बहुत बड़ा वरदान दिए होंगे। तो भगवान विष्णु कहते हैं भक्तों वर उर्जितम, अरे ब्रह्मा का वरदान क्या, अगर मेरे भक्त को कष्ट दिया ना और उस बीच ब्रह्मा जी का वरदान आया ना तो उस वरदान को मैं भी लांग जाऊंगा। ये भक्तों के प्रति प्रेम होता है, चिंता मत करो। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर, बहुत सुंदर तो नहीं, बहुत खराब शासन चल रहा था हिरण्यकश्यपु का, पूरे देवी देवते सब लोग उसी को भगवान मानते थे। हिरण्यकश्यपु कौन है? माता जी जग जाओ, हरि बोल, बोलो हरि बोल। सोना नहीं चाहिए कथा में। एक बार ऐसे बॉम्बे में क्या हुआ मालूम है आपको बताता हूँ। एक व्यक्ति कभी कथा में नहीं जाता था तो उसके बच्चों ने जबरदस्ती उसको लेके गया कथा में। बोला ठीक है यार अभी कथा में आ ही गए, पंखा लगा हुआ था, अच्छा थोड़ा बैठने की व्यवस्था थी तो खंबा होता है ना, खंबा के पास गया ऐसे करके अटक गया और मुंह खोल के सो गया।
जब कथा खत्म हुई, जब प्रसाद बटने लगा, तब हो जाया प्रसाद। तब सब लोग बोल रहे थे, अरे कथा में अद्भुत रस आया, अद्भुत रस। तो वो भी बोलता है, हाँ हाँ मुझे भी रस मिला, अद्भुत रस था, एकदम नमकीन। तो घटना ये हुआ था भक्तों को कि वो बैठा कहाँ था, खंबे के पास, मुंह कैसे करके। कुत्ता लोग क्या ढूंढता है, इसलिए माता जी संभल के। अब आप लोग समझदार हैं, समझ ही गए होंगे, बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो कहते हैं उस समय संसार के सब लोग हिरण्यकश्यप को भगवान मानने लगे, लेकिन उस समय उसका 5 वर्ष का पुत्र ही उसको भगवान नहीं मानता था। बोले भगवान तुम नहीं, भगवान विष्णु। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, आह्लाद, दुह्लाद, सहलाद और सबसे छोटा प्रह्लाद। गुरुकुल में भेजा है शुक्राचार्य के, पढ़ा, उनके 2 पुत्र हैं को शुक्राचार्य के संड और अमर किए, उनको पढ़ाए। और गर्मी की छुट्टी होती है ना, तो गुरुकुल में गर्मी की छुट्टी हुई, पुत्र को घर पे भेजा। और बहुत सुंदर उनकी माता कयाधु ने उसको स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए, तिलक लगा करके बहुत सुंदर तैयार करके बैठा भेजा। और हिरण्यकश्यप इतने दिनों के बाद अपने छोटे पुत्र को देखा है तो प्रेम से लग गया। प्रहलाद के माथे पर हाथ घुमाने लगा, और बेटा कैसा है, गुरुकुल में मन तो लगता है तुम्हें, बेटा बहुत अच्छे से रहना, पढ़ाई करना ध्यान पूर्वक, कैसे कर असूलते हैं, कैसे लोगों को मारते हैं, सब चीज बढ़िया से सीखना। और बेटा बताओ इतने दिनों में तुझे सबसे अच्छा क्या लगा। अब प्रहलाद महाराज ने सोचा कि ये सब चीज मुझसे ये नहीं पीछे वही अच्छा है, इसी में भलाई है। प्रहलाद ने कहा, छोड़ो ना पिताजी, क्या ये सब चीज पूछते हैं, हम लोग कुछ ऐसी बात बोलते हैं ना। बोले नहीं बेटा, बताओ बताओ, तुमने तो पढ़ी है, उसमें सबसे अच्छी विद्या क्या है, तुम्हें कौन सी लगी है। जब बार बार हिरण्यकश्यप ने कहा तो प्रहलाद महाराज ने कहा, सुनो पिताजी, तत्साधु मन्ये यसुर्वर्य देहि नाम सदा संविघ्न धियम अशत ग्रहात हित्वा आत्मपातं गृहम अंधकूपम वनम गतो यत हरिमाश्रय। प्रहलाद महाराज ने कहा, हे यसुरों के सरदार। प्रहलाद महाराज कभी अपने पिता को अपने पिता नहीं कहते थे, असुरों के सरदार, असुरों का सम्राट यही कहते थे। और हिरण्यकश्यप बड़ा गदगद होता है, मेरा बेटा हमको समझ रहा है, आखिर असुरों का सरदार ही तू। प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे असुरों के सरदार, इस संसार में सभी लोग गृहस्थ रूपी अंधेरे कुएं में फंसे हुए हैं और संसार के जंजाल में फंसे हुए हैं, और सदा उनकी बुद्धि उसमें फंस करके उद्विग्न रहती है। और ऐसे दुखी जीव को पिताजी आपको चाहिए, पिताजी आप भी गृहस्थ और बहुत दिनों से गृह में फंसे हुए हो, आपको चाहिए कि भगवान का नाम जप करना चाहिए, मार ये लो माला, जाओ जंगल में और जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जाओ जंगल में और करो भगवान विष्णु की भक्ति। बस इतना सुनना था कि तुरंत क्रोधित हो गया, बोले मैं तीनों लोगों का राजा और मेरा पुत्र विष्णु की भक्ति करने को, तुरंत क्रोधित हो गया, बिल्कुल लाल पीले हो गए। लेकिन तुरंत सोचा, ये तो 5 साल का बालक है, कुछ सिखा पढ़ा दिया होगा। संड अमर को बुलाया, संड अमर देखो क्या बोल रहा है, यही सिखा रहे हो तुम लोग विष्णु की भक्ति। बोले नहीं महाराज, हमने तो नहीं सिखाया। बोले देखो आजकल वो इस्कॉन वाले बहुत आ रहे हैं, गांव गांव में भी घूम रहे हैं, वही सिखाया होगा। सवेरे सवेरे हरे कृष्ण महामंत्र लेकर के यस्को ग्राम में घूम रहा है। प्रहलाद गया था कि यस्को साइड, उधर ही सीखा होगा हरे कृष्ण महामंत्र, कोई पढ़ा दिया होगा वो अनिरुद्ध प्रभु ना, जिसको देखो उसको ही बताने लगता है हरे कृष्ण महामंत्र की, वही बताया होगा। संभाल के रखो, गुरुकुल से बाहर मत जाने दो इसको, गुरुकुल से बाहर जाए तो इस्कॉन वाले भक्तों से बचा करके रखो, नहीं तो ये भगत बन जाएगा, असुर नहीं रहेगा, असुर रहने दो, ठीक है ठीक है। फिर प्रहलाद महाराज गुरुकुल में रहे, संडोर अमर जो भौतिक विद्याएं सिखाते थे सीखते थे, और फिर भगवान का नाम लिया करते थे। एक साल के बाद प्रहलाद महाराज फिर घर आए, फिर बुलाया बेटा, दो दो साल बाद आया, पुनः प्रेम छलका, पूछा बेटा बताओ तुम्हें सबसे अच्छी शिक्षा क्या लगी। प्रहलाद महाराज सोचते नहीं पूछे वही अच्छा है, बोले नहीं बेटा बताओ बताओ क्या लगा।
तो कहते हैं सुनो पिताजी, अगर सुनना ही है तो सुनो। सर्वणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम इति पुंसर्पिता विष्णु भक्ति शेतन लक्षणम क्रियते भवत्यत्या तन्मये तन्मन्ये अधितम उत्तमम। क्या कहते हैं पिताजी, नवधा भक्ति के द्वारा कैसे कैसे सर्वनम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम, ये नवधा भक्तों के द्वारा भगवान विष्णु की भक्ति करना ही मुझे अच्छा लगता है। और पिताजी मैं तो कहता हूँ आप भी करो। आप तो पिताजी ने उसको गोद से उठा करके पटक दिया। सर अमर, क्या बोल रहा है ये तेरे बाप? दोनों गुरु कांपते हुए, महाराज हमने तो नहीं सिखाया इसे ना, मत परनित। कहते हैं कहां से सिखाया तुमने? नहीं सिखाया, कोई बाहर वाला सिखाया होगा। वो अनिरुद्ध दास सिखाया क्या इसको? पूछो तो बोलते नहीं महाराज, ना मत परनिता ना पत पत पर परनिता, ना मैंने सिखाया है और ना बाहर से इस्कॉन वाले ने सिखाया। बोले तो फिर कैसे सिखाया? तो कहते महाराज आपके भक्त की नैसर्गिकम मर्ति रस्य राजन, हे राजन आपके पुत्र का स्वाभाविक जन्मजात विष्णु में रति है। तो इसका कारण क्या था? एक बार प्रहलाद महाराज अपने सहपाठी बालकों को उपदेश दे रहे थे, है ना, और उपदेश देते हुए ऐसे जब कॉलेज में थे, गुरुकुल में थे, तो उपदेश दे रहे थे और उपदेश देते हुए बहुत सुंदर कर कुमार आचरे आज्ञा धर्मान भगवतान दुर्लभम मानुषम जन्म तथपि अध्रुवम तदम। कहे मेरे मित्रों, हे मेरे मित्रों, बचपन से भक्ति करो। कुमार आचरित प्राज्ञा, बचपन से भक्ति करो। क्यों? कुमार आचरित प्राज्ञा भगवतान धर्मान भगवतान, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है, है ना, यही तुम्हारा धर्म है, भगवान की भक्ति करो। क्यों? क्योंकि दुर्लभम मानुषम जन्म तत्पि अध्रुवम अर्थदम। वृक्ष के नीचे बैठे और कह रहे हैं हे मेरे मित्रों, बचपन का समय यूं ही खेलने कूदने के लिए नहीं मिला है। क्या करने के लिए मिला है? भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है। और अगर ये मनुष्य जीवन बीत गया ना, तो फिर 84 के चक्कर में पड़ जाना पड़ेगा, क्योंकि दुर्लभम मानुषम जन्मम तत्पि अध्रुवम अर्थदम। यह मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है और उसके बाद भी अध्रुवम कभी भी खत्म हो सकता है। इसलिए मेरे मित्रों भक्ति करो, कृष्ण की भक्ति करो। बहुत सुंदर इस प्रकार से कहे कि भक्ति करो, भक्ति करो। बहुत सारे मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, इसका कोई निश्चित नहीं है। इसलिए मेरे मित्रों हम सभी को चाहिए बुद्धिमान होकर शास्त्र का ज्ञान ग्रहण करके शास्त्र के अनुसार से भगवान की भक्ति करें। तब मानो कृष्ण के मित्र पूछे कि प्रहलाद के मित्र पूछे कि प्रहलाद तुम कहते हो भक्ति करो, लेकिन अगर हम लोग भक्ति करेंगे तो ऑफिस कौन जाएगा, हमारे बच्चों का ध्यान कौन रखेगा, बताओ। तब प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर कहते हैं सुखम ऐन्द्रिकम देते देहे योगेन देनाम सर्वत्र लभ्यते देवात यथा दुःखम। हे मेरे मित्रों, इस संसार में सभी लोग सुखी होने का प्रयास करते हैं। आप लोग सुखी होने का प्रयास करते हैं कि दुखी होने का? कभी सुना है सवेरे सवेरे कोई व्यक्ति एकदम टाई बेल्ट लगा करके जा रहा है, पूछो कहां जा रहे हो तो बोले दुखी होने के लिए जा रहे हैं। बोला है कभी? क्या बोलता है? सुखी होने के लिए जा रहे हैं, लेकिन होता क्या है? वह दुखी होता है। तो वही कहते हैं मेरे मित्रों, जिस प्रकार से दुख ना चाहते हुए भी जीवन में आ जाता है ना, उसी प्रकार से सुख भी ना चाहते हुए भी आ जाएगा। इसलिए सुख के लिए बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हे मेरे मित्रों, बचपन से भक्ति करो। कथम प्रियाय अनुकंपिताय संगम रहस्य रोचनम च मंत्राण। बड़े होकर कैसे भक्ति करोगे? बड़े होगे तो तुम्हारे पिताजी तुम्हारी शादी कर देंगे, और शादी के बाद नए नवेली दुल्हन आएगी, एकांत में रहस्यमय बातें करोगे, तुम पानी मांगोगे वो दूध लेकर के आएगी, ऐसी स्थिति में कहां भक्ति होगी, बताओ। और विवाह होने के बाद फिर
छोटे छोटे बच्चे पप्पा पप्पा मम्मी मम्मी करेंगे तो क्या भक्ति कर पाओगे बताओ। व्यक्ति अपने ही बनाए हुए घर में फंस जाता है और रेशम का कीड़ा होता है अपनी लाल ग्रंथि से घर बनाते रहता है बनाते रहता है बनाते रहता है बनाते जाता है और पता चलता है निकलने का दरवाजा छोड़ा है। कहते हैं अंधकूपम कैसा है अंधकूप अंधेरा कुआं जानते हैं आप लोग आपके गांव में देखो वहां पे है जिसे पानी नहीं रहता उसको क्या कहते हैं अंधेरा होता क्या है कि ऐसे कुएं में पानी होता नहीं है लोग जल निकालने जाते नहीं है आजू बाजू घास जम जाता है और बकरियों को लगता है बड़ा हरा हरा घास है और वह खाने के लिए जाता है खाने के लिए जाता है और जैसे ही जाता है तो धड़ाम करके कुएं में गिर जाता है और माथे के बल गिरता है और फिर उठ नहीं पाता है। वही स्थिति लड़के सोचते हैं देखो कितने हरे भरे हैं जो लोग शादी विवाह किए हैं जाते हैं और फिर फंस जाते हैं अंधकूपम और फिर वहां से निकल नहीं पाते। हम लोग आते हैं कभी कभी इस्कॉन वाले आते हैं और देते हैं उसको यह नाम जप करो भगवत गीता पढ़ो लेकिन बेचारा वह या बोलता है या फिर बहुत टाइम नहीं है ये वो ऐसा वैसा कुछ ना कुछ बोल के बहाना देता है और नहीं बच पाता है। तो उसी समय कहते हैं संडोर अमर पूछते हैं कि महाराज इसे नैसर्गिकियम इसी नैसर्गिक नैसर्गिक ही इसकी रति कृष्ण के प्रति है जन्मजात यह कृष्ण से प्रेम करता है। तो जब यह उपदेश दे रहे थे ना अपने मित्रों को तो इनके मित्रों ने पूछा कि प्रहलाद तू आज बड़ा उपदेश दे रहा है लेकिन ये बता तूने ये ज्ञान सीखा कहां से क्योंकि तू तो यहाँ पे गुरुकुल में 2400 घंटा हमारे साथ रहता है यहाँ कोई साधु ये संड अमर कहने नहीं देते और वहां तुम्हारे घर पे अगर कोई साधु चले जाए तो तुम्हारे पिता हिरण्यकश्यप उसको मारपीट करके भगा देता है। तब प्रहलाद महाराज कहते हैं ये ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है एक संत की कृपा से। किसकी कृपा से? नारद मुनि की कृपा। हुआ ये था कि आपने सुना था ना हिरण्यकश्यप कहाँ गया था मंदार पर्वत। तो जब वो मंदार पर्वत जा रहे थे तब इंद्र को पता चल गया अरे इसकी पत्नी कयाधु गर्भवती है तो उसको किडनैप करके ले जा रहा था। रास्ते में नारद मुनि मिले बोले नारद स्वर्ग की स्त्रियों से पेट भर गया अब नीचे चले गए। बोले नहीं महाराज इसके गर्भ में असुर पल रहा है। तो नारद हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जोर से बजा बजा बजाना जरूरी है नहीं तो लोग सो जाते हैं। तो कहा महाराज इसके घर में इसके घर में असुर पल रहा है। तो नारद जी ने कहा नारद इंद्र इसके गर्भ में असुर नहीं महाभागवत प्रहलाद महाराज पल रहा है। और जैसे इंद्र ने सुना ना भक्तों तुरंत देवी कयाधु के सामने दंडवत प्रणाम किया तीन परिक्रमा की और फिर वापस चले गए। और उस समय हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु नारद जी के दर्शन से पवित्र हो चुकी थी और नारद से वरदान मांगे प्रभु आप मुझे वरदान दीजिए कि जब तक मेरी पति तपस्या करके वापस नहीं आ सकते आ जाते तब तक मैं इस बालक को अपने गर्भ में रख सकूं और दूसरा जब तक मेरे पति नहीं आ जाते तब तक आप मेरे लिए टीवी की व्यवस्था कर दीजिए ताकि मेरे घर में बालक है मैं आपके आश्रम में जाऊं टांग पे टांग लदाऊं और दिन भर बैठ करके क्या देखूं क्योंकि सास भी कभी ऐसा बोला। आज की यही स्थिति है जैसे ही माताएं गर्भवती होती है डॉक्टर बोल देता है टोटल बेड रेस्ट हिलना नहीं है। बोलती है ससुराल में तो होगा नहीं कहाँ जाना पड़ेगा मायके मायके में चली जाती है पिताजी को बोलती है सोफा लगवा दो सोफा लगा लेती है दोनों पांव टेबल पे सामने एक बड़ा सा एलसीडी और देखते रहती है क्योंकि सास भी कभी माता जी जग जाओ मेरा फुल्ली कॉन्सेंट्रेशन है
अब एक झलक भी नहीं ले सकते, ध्यान रखना, पांव समेट के बैठो, ऐसे फैला के नहीं बैठना है। भागवत कथा में हो आप, घर पे नहीं हो, समेट के बैठो, अच्छा बात नहीं है, समेटो पांव। तो भक्तों अगर, क्योंकि सास भी बहू वाला सीरियल देखेंगे ना तो वही होगा, विवाह करके लाएगा और फिर बोलेगा माँ तू निकल जा मेरे घर से, याद रखना। जो संस्कार हम अपने बच्चे को अपने गर्भ में दे सकते हैं ना, बाहर निकलने से नहीं दे सकते। आज यही होता है, टीवी लगा करके अगर कोई रोमांटिक सीरियल देख रहा है, फिल्म देख रहा है, तो बच्चा बाद में किसी लड़की को लेके भाग जाएगा। फाइटिंग देख रहा है तो लड़का स्कूल में जाके मारपीट करेगा, फिर बाद में बोलेंगे हमारा बच्चा बिगड़ क्यों रहा है, अरे तूने बिगाड़ा है, ऐसे संस्कार तूने उसके घर में ही दिए थे। क्या दिखाया जाता है टीवी में, यही लड़ाई झगड़ा मारपीट, और नहीं तो तुम दिल की धड़कन में रहती हो। अब बताओ आज तक मैं समझ नहीं पाया कि कितना बड़ा पागल है, कैसे कोई धड़कन में आ सकता है, धड़कन में तो केवल कृष्ण रहते हैं, दूसरा कैसे रह सकता है, कोई रह सकता है क्या, कोई नहीं रह सकता। पागलपंती की हद क्रॉस हो जाती है, चांद तारे तोड़ तोड़ना, एक पत्ता नहीं तोड़ सकता चांद तारे तोड़ेगा, और उसको देख करके कुछ लड़के बस बावरा हो जाते हैं। तो मुझे भागवत कथा का श्रवण कराइए, जब तक मेरे पति नहीं आ जाए मुझे टीवी नहीं देखना है, घर पे नहीं जाना है, मुझे भागवत कथा का श्रवण करें। और नारद मुनि भक्तों भक्त हैं तो इनका आदर सब करते हैं, असुर भी और देवता भी। तो हिरण्यगर्भ जब आए तो वापस लेकर के गए, तब हिरण्यगर्भ ने कहा प्रहलाद तू कहता है कि विष्णु की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, यदि विष्णु की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है तो सब लोग भक्ति विष्णु की भक्ति करनी चाहिए ना, या सब लोग भक्ति विष्णु की क्यों नहीं करते। तब प्रहलाद महाराज कहते हैं मति न कृष्णे परतः स्वत्वा मिथ अभिपद्यते गृहवर्ताणां। मति न कृष्णे, संसार के लोगों की मति बुद्धि कृष्ण में इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि संसार के लोग एक व्रत लेकर के बैठे हैं, कौन सा, गृहवर्ताणां, है ना, गृह में गृह कुछ भी हो जाएगा लेकिन घर नहीं छोड़ेंगे, भले सवेरे सवेरे उठ करके बहू घर में झाड़ू ना मार करके ससुर और सास को ही मारे लेकिन फिर भी घर नहीं छोड़ेंगे। वास्तविक घटना है इसलिए मैं बोलता हूँ, होते ही रहता है, अब एक्सपीरियंस शेयर करने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, लेकिन गांव काफी सभ्य गांव है, मैं देख रहा हूँ इतना सभ्य है कि कथा में भी। तो बोले गृह व्रत लेके रखे हुए हैं इसीलिए, और लोग सोचते हैं ना, लोग सोचते हैं कि मैं यही सुखी हो जाऊंगा, अदांत गोभी विस्ताम तमस्तृष्णम पुनः पुनः चर्वित चर्वणाम, है ना, पुनः पुनः चर्वित चर्वणाम। लोग सोचते हैं कि मैं यही रात दिन मेहनत करके सुखी हो जाऊं, लेकिन ध्यान रखिए भक्तों, शास्त्र के अभाव से, शास्त्र के ज्ञान के अभाव से लोग सोच रहे हैं कि इस जगत में सुख है लेकिन है नहीं। भगवान ने कह दिया दुखालयम अशाश्वतम, यह जगत क्या है, दुखालय और अशाश्वत है, तब यहाँ पे सुख कैसे मिलेगा जी, यहाँ तो केवल दुख ही मिलेगा ना। प्रहलाद महाराज कहते हैं अदांत गोभी विस्तांत मिश्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वणाम, यह जगत कैसा है, बोले ये जगत में सुख निकल ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता। रामायण कार ने तो यहां तक लिख दिया कि ऐसा हो सकता है बालू को पेरने से तेल निकल जाए, ये संभव है, नहीं, लेकिन चलो मान लिया जाए कि बालू को पेरने से तेल निकल जाए, कछुए के पीठ के ऊपर कभी बाल नहीं आ सकता, लेकिन ये भी हो जाए चलो मान लिया, या बर्फ को रगड़ने से आग निकल जाए ये भी मान लिया, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि जगत में सुख हो जाए, इस जगत में सुख मिल जाए। देखिए माता जी आप सोने का प्रयास कर रही हैं और मैं जगा रहा हूं, कितना बड़ा दुख है,
जगत में सुखी हो जाएं यह संभव ही नहीं है। अब पीछे जाके बैठिए, अगर सुना है तो मेरे सामने बैठेंगे तो मैं बोलूंगा, और मुझे कथा में डिस्टर्ब कर रही हैं, इसलिए पीछे जाके बैठ जाइए। आप नहीं सोएंगे तो आगे बैठिए, नहीं तो पीछे जाइए। तो बोले भौतिक जगत में सुख मिल जाए ये कभी हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। कितनों प्रयास कर लीजिए, हम लोग कितना ढूंढने का प्रयास करते हैं ना सुख। गांव वाले सोचते हैं शहर में चल जाएंगे सुखी हो जाएंगे, शहर वाले सोचते हैं मेट्रो सिटी में चल जाएंगे सुखी हो जाएंगे, मेट्रो सिटी वाले सोचते हैं बॉम्बे चले जाएंगे तब सुखी हो जाएंगे, लेकिन वहां भी देखो दुख ही दुख है। अब बॉम्बे वाले सोचते हैं अमेरिका चल जाएं तब सुखी हो जाएंगे, और अमेरिका वाले सोचते हैं मंगल ग्रह पर जाएंगे ना तब सुखी होंगे। आखिर सुख है कहाँ? बोले भौतिक जगत में सुख ढूंढना कैसे है, जैसे पुनः पुनः चर्वित चर्वणाम, चबाए हुआ गन्ना होता है ना, जैसे गन्ने का जूस निकालने वाला मशीन होता है तो उसमें गन्ना डालता है और उधर से जूस निकाल लेता है, और उसके बाद जो कचरा बच जाता है ना, कोई व्यक्ति अगर उसको जाकर के चबाए तो कितना सुख मिलेगा, बोलो रस मिलेगा उसमें? नहीं मिलेगा। वैसे ही है इस भौतिक जगत में सुख ढूंढना, सुख मिलेगा ही नहीं, ध्यान रखना कभी नहीं मिलेगा। आप लाख प्रयास कर लो, लाख प्रयास कर लो, कभी नहीं। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि नहीं हो पाएगा। हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हुए, बोले इससे मेरे नजरों से दूर ले जाओ। दैत्य के वन में क्या कह रहे हैं, बहुत सुंदर कहते हैं, दैत्य चंदनम वने, क्या कहते हैं, हे मेरे मित्रों, कि हमारा दैत्य समाज चंदन का वन है और यह बबूल उग गया है, इसको ले जाओ, है ना, ले जा करके इसको काट दो, गुलाब के खेत में धतुरा उग गया है। हिरण्यकश्यप ने एक नीति बताया कि शरीर का कोई अंग कट जाए तो उसे काट देना चाहिए, सड़ जाए तो उसे काट देना चाहिए, इसे ले जाओ और काट दो। दैत्यों इस चंदन रूपी वन में उगे हुए बबूल को काट डाला। कहते हैं दिग्गजे दंड सुख इंद्रे अभिचार औपात ने माया बिस्ति नरादो च करो दानी अभोजन हिम वायु अग्न सलिले पर्वत आक्रमणे अपि। प्रहलाद महाराज मां को मारने का बहुत प्रयास किया गया, विष्णु पुराण में बहुत विस्तार से माना। सर्वप्रथम दे सकते हैं, सर्वप्रथम प्रहलाद महाराज को हाथी के नीचे कुचलने का प्रयास किया गया। सोचो माता जी, अरे आप सोने तरह बैठी रही हैं तो नींद आएगा कभी हाथ कभी, बैठो सीधा देखता हूं कैसे नींद आएगा, अब जगने का प्रयास नहीं कर रही हैं। बोले हाथी को छोड़ा जाता था, प्रहलाद महाराज को सामने खड़ा रखा जाता था, लेकिन जैसे गाड़ी 400 की स्पीड में आए और एकाएक ब्रेक लग जाए ऐसे ही हाथी रुक जाते थे। तब हिरण्यकश्यप को विषैले सर्प के कोठी में बंद कर गया, विषैले सर्प काट काट के थक गए, लेकिन वह नहीं मरे। बाहर निकल के बोलते महाराज पता नहीं आपका पुत्र कौन से मिट्टी का बना है, देखो हमारे काट काट के हमारे दांत टूट गए, लेकिन तुम्हारे बच्चे का कुछ नहीं हुआ। तब संडोर अमर को बुलाया और कृत्या को उत्पन्न कराया, लेकिन वह कृत्या जैसे ही अपना त्रिशूल मारी प्रहलाद के सीने में तो वह त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े हो गए। जान गई कि संडोर अमर की गलती है, संडोर अमर को ही मार दिया। तब प्रहलाद महाराज ने पुनः उन्हें जिला जगा दिया, दोनों गुरु को जीवित कर दिया। हिरण्यकश्यप ने भोजन में जहर डलवाया, लेकिन फिर भी जीवित हो गया। पहाड़ से गिराया, अब लगा मर गया। फिर 10 दिन के बाद आया, घर का रिंग बेल जबाया, टिंग टिंग टिंग, पिताजी में आ गया। ले मरता क्यों नहीं है तू, मरता क्यों नहीं है? होलिका को बुलाया, ऋषियों का वरदान था कि होलिका जिस बैठेगी तो जलेगी नहीं, लेकिन भक्तों जो भक्त का अपमान करता है उसके लिए ऋषि मुनियों का वरदान भी फेल हो जाता है। होलिका जल गई और प्रहलाद महाराज बच गए। भक्तों रामायण में लिखा है जो भक्तों का अपमान करता है ना उसके लिए अमृत जो है ना जहर हो जाता है।
मित्र शत्रु हो जाते हैं, है ना। माता उसके लिए वैतरणी हो जाती है, पिता उसके लिए यमराज बन जाता है। अतः कभी भी भक्तों से द्वेष नहीं करना चाहिए। तत्पश्चात प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यपु ने अनुचरों को कहा, ये मर नहीं रहा, एक काम करो, इसे बीच महासागर में ले जाओ, पत्थर बांध करके फेंक डालो। बीच महासागर में ले गए, पत्थर बांध करके नाव से गिरा दिया। अभी प्रहलाद महाराज फंस गए, लेकिन वहीं से भगवान का ध्यान किया और कहते हैं भक्तों, सभी पत्थरों को तोड़ते हुए प्रहलाद महाराज पुनः ऊपर आ गए। फिर घर पे आके रिंग बेल दबाया, पिताजी मैं आ गया। बोले अरे तू मर क्यों नहीं रहा है। संडमर्क ने देखा ये मर नहीं रहा है बहुत, बोले बोले महाराज आप चिंता मत करो, इसे हम लोग ले जाते हैं अभी कुछ दिन के लिए गुरुकुल में, वहीं रखेंगे। कुछ दिन के बाद गुरु महाराज शुक्राचार्य जी आ जाएंगे, वही इनका देखरेख करेंगे। बोले ठीक है ले जाओ। बहुत दिन रखे, बहुत दिन रखे, लेकिन कुछ दिन के बाद देखते हैं कि यह पूरे गुरुकुल को ही भगत बना दिया है। गुरुकुल के बच्चे सवेरे सवेरे उठ करके हिरण्यकश्यपु की जय नहीं कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। बहुत सुंदर यहाँ पर 26 श्लोकों में प्रहलाद महाराज उपदेश देते हैं। तो जब संडमर्क ने देखा कि यार अभी तक तो ये खुद ही भगत था, अब तो यह दूसरों को भी भगत बनाने लगा है, अब क्या करना पड़ेगा, अब तो गलती हो जाएगा, इसको यहाँ रखेंगे तो बहुत बड़ा कांड हो जाएगा, चलो इसको ले चलते हैं कहाँ पर, हिरण्यकश्यपु के पास। और हिरण्यकश्यपु के पास ले जाकर के देखिए क्या कहते हैं, इसका वर्णन सूरदास जी करते हैं। हम तो बहुत भांति परिहारे, के पास ले आया। थोड़ा हारमोनियम कम कर लिया, थोड़ा कम, यस ये ठीक है, थोड़ा वहीं से साउंड कम कर दो, अब बजाइए अपनी स्पीड से, हरि बोल, हारमोनियम का साउंड कम कर दो। प्रहलाद महाराज कहते हैं, अच्छा चाहूंगा, प्रहलाद महाराज के गुरु संडोरमर कहते हैं, महाराज हमने आपके पुत्र को बहुत मनाया, बहुत समझाया, लेकिन आपका ये बालक समझ नहीं रहा, हमने बार बार समझाने पर भी ये राम का ही नाम ले रहा है, ये विष्णु का नाम ले रहा है, बंद कर। जब राम नाम विष्णु का नाम हिरण्यकश्यपु को सुना तो तिल मिलाओ। हिरण्यकश्यपु कहते हैं, प्रहलाद प्रहलाद तुझे मैं बार बार मारने का प्रयास कर रहा हूं, तू मर क्यों नहीं रहा, तुझे भय नहीं लग रहा। बोले नहीं पिताजी, मुझे बिल्कुल भी भय नहीं लग रहा। बोले तू मर क्यों नहीं रहा है, क्या तू कोई तंत्र जानता है, कोई मंत्र जानता है। नीपक हायो मंत्र जंत्र कछु आई, नीपक हायो मंत्र जंत्र कछु आई, नीपक हायो मंत्र जंत्र कछु आई, नीपक हायो सो तू मोके दे ही बताई, सो तू
ताली बजाता हुए थोड़ा सा बड़ा बोले तू कुछ तंत्र मंत्र जानता है। हिरण्यकश्यपु ने पूछा बार बार मारने का प्रयास कर रहा हूं तू मर क्यों नहीं रहा है। तो कोई मंत्र जानता है कोई तंत्र जानता है। बोले नहीं पिताजी मैं कोई मंत्र जानता हूं। मंत्र जंत्र में जो हरि नाम मंत्र जंत्र में जो हरि नाम मंत्र जंत्र में जो हरि नाम मंत्र जंत्र में जो हरि नाम। हे पिताजी मेरा मंत्र और जंत्र जो भी है वह क्या है हरि नाम केवल और केवल जैसे ही मैं भगवान विष्णु का नाम लेता हूं तुरंत भगवान मुझे बचाने के लिए आ जाते हैं। मंत्र जंत्र में रो हरि नाम मंत्र जंत्र मेरे हरि नाम मेरा मंत्र मेरा जंत्र विष्णु का नाम है। अच्छा तुझे विष्णु बचा तुझे विष्णु बचा तुझे विष्णु बचाने के लिए आया बता तेरा विष्णु कहाँ बता तेरा विष्णु कहाँ है आज मुझे देखना है तेरे विष्णु बता तेरा विष्णु कहाँ। प्रहलाद कहते हैं पिताजी अब ये कहिए मेरा विष्णु कहाँ है। मेरा विष्णु तो इस संसार के घट घट में यत्र तत्र सर्वत्र हर जगह समझ जाए घट घट में जाको विश्राम 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 जहाँ तहाँ सोई करत सहाय पुणे का बता कहां है तेरा विष्णु। तो प्रहलाद कहते हैं पिताजी आप ये कहिए मेरा विष्णु कहां। मेरा विष्णु संसार के घट घट यत्र तत्र और आज इस भगवत कथा में भी आके बैठे भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को कहते हैं यत्र तत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद् भागवतम भवते गच्छामि तत्र तत्र गौर्यार्थ सुवत्स। जब हम किसी गाय को लेके जाते गाय को लेके जाने की जरूरत नहीं है बछड़े को खींचते हुए लेते चले जाओ गाय खुद ब खुद दौड़ते हुए चले जाती है। वैसे ही ब्रह्मा जी इस संसार में जहाँ कहीं भी भगवत कथा होती है ना जिस प्रकार से बछड़े के पीछे गाय दौड़ते दौड़ते जाती है ना मैं भी उस कथा में वैसे ही दौड़ते दौड़ते जाता हूँ। हरी बोल। जहाँ तहाँ सोई करत सहाय 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 तासो तेरो कछु न बसाय तासो तेरो कछु न बसाय। प्रभु मेरा भगवान विष्णु हर जगह है हर 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 बोले आज देखना है मुझे तेरे विष्णु को। उसी समय कहते महल में अनेक खंभे थे
हिरण्यकश्यप की नजर एक हिरण्यकश्यप ने कहा, क्या इस खंभे में तेरा भगवान है, क्या इस खंभे में तेरा भगवान है? वास्तव में उस खंभे में भगवान नहीं, सुखदेव जी कहने आए। लेकिन प्रहलाद महाराज ने कहा, हाँ यत्र तत्र सर्वत्र, यदि मेरे भगवान सब जगह है तो इस खंभे में, सब जगह है तो इस खंभे में। उसी समय हिरण्यकश्यप अपने वज्र के समान कठोर मुष्टिका बनाकर उस खंभे के पास गया और उस मुष्टिका का एक प्रकार जैसे उस खंभे के ऊपर करने का प्रयास किया, उसी समय देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए, ऋषि मुनि की बुझी हुई अग्नि को पुनः प्रज्वलित करने के लिए, देश में कटी हुई गायों की रक्षा करने के लिए, अपने भक्त प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए भगवान नरसिंहदेव उस खंभे को तोड़कर प्रकट हो गए। जैसे ही वो खंभा टूटा, पिंपड़ान प्रकट हो, जिस प्रकार से करोड़ों करोड़ों नगाड़े एक साथ बज उठे, ऐसे भगवान दुर्लभ गर्जना का। इस आवाज को सुनकर देवताओं ने अपने कान को बंद कर लिया, अप्सराओं के नृत्य बंद हो गए, सूर्य की दिशा बदल गई। भगवान नरसिंहदेव के नाद सुनकर हिरण्यकश्यप कांप गया। भक्तों, वैशाख महीना, शुक्ल पक्ष चतुर्दशी की स्थिति, उस खंभे को तोड़कर भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यप देवता रहा, अद्भुत शरीर, ना नर है ना सिंह है, तो नरसिंह प्रकट हो गए। भगवान नरसिंह देव के विकराल शरीर, भगवान नरसिंह देव के कान ऊंचे, पहाड़ों की गुफा के समान उनकी नासिका, भयानक नख, भगवान नरसिंह देव के रोंगटे कड़क, उनके शरीर से करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश पुंज निकल रहा, भगवान नरसिंह देव के लप लपाती हुई, लप लप करती हुई तलवार के समान जिह्वा, नरसिंह देव के सैकड़ों भुजाएं सैकड़ों सैन्य का काम कर रहा। सर्वप्रथम नरसिंह देव प्रकट होकर जैसे ही चलने लगे, भगवान नरसिंह देव के चलने की धमक से ये ब्रह्मांड डोलने लगा। सर्वप्रथम नरसिंह देव हिरण्यकश्यप की जो सैन्य थे उन सबको उठा उठाकर काट दिया, उठा उठाकर काट, और तब हिरण्यकश्यप अपनी तलवार लेकर भगवान नरसिंह देव के पट पर। आज भगवान नरसिंह देव और हिरण्यकश्यप के बीच में घमासान युद्ध छिड़ा है। तब कर कम, तब कर कमल वरे घमासान युद्ध। कर सर पर
अद्भुत भयंकर युद्ध छुड़ाया दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े। युद्ध करते करते भगवान नरसिंहदेव ने देखा संध्या का समय हो चुका है, ना दिन है ना रात है, संध्या का समय होते ही भगवान नरसिंहदेव ने हिरण्यकश्यप को मारने का निश्चय किया। जैसे गरुड़ झपट मार कर सांप को उठा लेता है, जैसे गरुड़ आकाश में खड़ा रहता है और आकाश से दृष्टि सर्प के ऊपर डालता है, वैसे ही भगवान ने अपनी दृष्टि हिरण्याक्ष के ऊपर डाला। एक गरुड़ जैसे सांप को उठा ले झपट मार करके, वैसे भगवान नरसिंहदेव ने हिरण्याक्ष को उठा लिया। भगवान नरसिंहदेव हिरण्याकश्यप को मारने का निश्चय करे, उसी समय हिरण्याकश्यप को अनेक अपशकुन होने लगे, हिरण्याकश्यप के मस्तक से ताज गिरने लगा, हिरण्याकश्यप का दाहिना अंग फटकने लगा, दिति के हृदय से खून चूने लगा। साधुओं के मन में आनंद होने लगा, यसुओ के मन में छो, ब्रह्मांड फटने लगे। भगवान नरसिंहदेव हिरण्यकश्यप को लेकर के चौखट पर आए, हिरण्यकश्यप को अपने गोद में सुला दिया और जैसे चटाई बनाने वाला मिस्त्री एक घास को फाड़ देता है, जैसे गरुड़ सांप को फाड़ देता है, वैसे भगवान नरसिंहदेव को हिरण्यकश्यप ने फाड़ दिया। भगवान नरसिंहदेव हिरण्यकश्यप को जैसे ही फाड़े, आकाश में देवता प्रकट हो गए और भगवान श्री नरसिंहदेव के ऊपर पुष्प के वृष्टि करने लगे और सभी लोग भगवान की जय जयकार। श्री नरसिंहदेव भगवान की जय, गांव में प्रकट हुए हैं, सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और दो मिनट भगवान नरसिंहदेव की स्तुति करिए। केशव द्रीता नर हरि रूप
ताली बजाते हुए केसव रे प्रकार नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बैठ जाइए दो मिनट के लिए, फिर कथा खत्म होगी। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, वैसे देखा जाए तो भगवान उस खंभे में नहीं थे, सत्यम विधातु निज भृत्य भासित। वैसे उस खंभान में भगवान नहीं थे, परंतु प्रहलाद ने कह दिया हाँ उस खंभे में भगवान है। तो फिर भगवान कैसे नहीं आते, भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने बताया कि यदि श्रद्धा हो, भाव हो, प्रेम हो, भक्ति हो, तो मैं खंभे से भी प्रकट हो सकता हूं। प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर विनंती किए, प्रार्थना किए, स्तुति किए और कहे प्रहलाद मांगो, तुम क्या चाहते हो मांगो। प्रहलाद ने बहुत सुंदर भगवान को हार माला पहनाया। भगवान ने कहा प्रभु आपके चरणों में विनंती है कि आप मेरे पिता को उच्च गति प्रदान करिए। तो भगवान ने कहा बेटा तेरे जैसा भगत जिस कुल में पैदा हो जाता है ना, उस कुल का 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता मैं कर देता हूं, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर एक भी पुत्र प्रहलाद जैसा निकल गया ना, पूरे परिवार का उद्धार कर देगा। और नहीं तो फिर बस सुमित्रा देवी कहती हैं कि अगर पुत्र राम कृष्ण का भगत ना हो ना, तो वह पुत्र पुत्र नहीं है, वह तो मात्र अपने माता पिता की जवानी काटने का एक साधन है और कुछ नहीं है। इसलिए भगत को कृष्ण का भगत बनाइए। तो ऐसे भगवान श्री नरसिंहदेव से हम प्रार्थना करते हैं। भगवान श्री नरसिंहदेव पूरे जगत के कष्ट को हरते हैं। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं यत पाद पल्लव युग्म विधिनियम कुंभ दंडवे प्रणाम शमाय गणाधिराज विघ्ना विहंतु अलब अश्य जगत प्रसाय। गजानन गणपति महाराज संसार के विघ्नों को हरते हैं, लेकिन संसार के विघ्नों को हरने की संति गणपति गजानन महाराज को कहां से आता है? भगवान श्री नरसिंह देव के चरण पूर्ण चरण से नहीं, चरण में जो अंगुष्ठ होता है ना मोटा वाला उंगली, उसके उस पूरे उंगली से भी नहीं, उसमें दो नाखून के पास दो नली बना होता है ना, उस एक नली से श्री गणपति गजानन महाराज पूरे विश्व के जगत को, विश्व के विघ्न को हर लेते हैं। तो हम लोग भी भगवान श्री नरसिंह देव से प्रार्थना करते हैं कि आप पधारे हुए समस्त श्रोताओं की रक्षा करें। इसी के साथ आज के सत्र को हम लोग यहाँ विराम देते हैं। हरे कृष्ण
और इस कथा का अंतिम सत्र है, है ना? अंतिम है ना? हाँ, कल ही है ना अंतिम? तो कल बहुत सुंदर कथा है भगवान श्री कृष्ण के जन्म की। हरी हरी बोल। बहुत सुंदर, थोड़ा इसको भी सजा दिया जाएगा, थोड़ा बलून वगैरह लगा दिया जाएगा। और जब भगवान का जन्म होता है, जब आप लोग किसी के हैप्पी बर्थडे में जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं? तो भगवान के लिए कुछ लाना चाहिए। लोगों को लगा बड़ा लोभी है प्रभु जी, मेरे लिए मत लाइए, आप भगवान के लिए कुछ बना करके लाइए अपने घर से शुद्ध, है ना? खीर पूड़ी पकोड़ा पनीर बढ़िया बढ़िया रबड़ी मलाई सब, है ना? अब पकोड़ा मतलब तो सोच लिए होंगे प्याज वाला, और कुछ जानते कहाँ हैं हम लोग? नहीं, अच्छे अच्छे पकोड़े बनते हैं, बिना लहसुन प्याज के भी बनते हैं। तो ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे प्रसाद बनाइए, भगवान को लाइए, यहाँ भोग लगाएंगे, और उस प्रसाद को हम लोग लेके नहीं जाएंगे, आपको ही बांट के खिला देंगे, ठीक है? जरूर लेकर के आइए, जरूर सब लोग, एक एक व्यक्ति लाएंगे तो सोचो भगवान के लिए कितना भूख लग जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, जो बर्तन में बनाओ ना वो शुद्ध रहे, बाहर से मत कुछ मंगाना, बाहर वाला वो लोग पता नहीं कैसे कैसे बनाते हैं, इसलिए घर में बनाना, है ना? घर में पूजा के लिए तो आप लोग बर्तन रखते ही होंगे ना, इधर छठ होती होगी, छठ के लिए बर्तन रखते हैं ना, तो बढ़िया से चूल्हा बनाओ लकड़ी का, लकड़ी के चूल्हे में बर्तन लगाओ और उसे बनाओ और भगवान के लिए लेकर, ठीक है? कौन कौन लाएंगे? एक दो, अरे आपका तो ये तो घर के ही लोग उठा रहे हैं, बाहर वाले लोगों की कोई श्रद्धा नहीं है, अद्भुत। सभी लोग लेकर के आए, ठीक है? दिन भर इतने सालों से खुद तो ठूस ही रहे हो ना, ठूस ठूस के इतना बड़ा शरीर कर लिया, डांटना पड़ता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि डांटूं, लेकिन जब देखता हूँ ना एकदम कोई रिएक्शन ही नहीं तो डांटना पड़ता है। अब कितना ठूसोगे, फट जाओगे एक दिन। भगवान के लिए लाओ, कौन कौन लाएगा? कमाल ढीठ लोग, ठीक है? सब लोग लेकर के आए, जो भी बन पड़े लाइए, ठीक है? हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगद्गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रमाणते हरि हरि वो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण, जल्दी बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ, तो हमारे महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद, जो कि इतना सुंदर श्रीमद् भागवत कथा के रस में सबको डुबा दिए, इतना डुबा ही इतना डुबा कि डूब डूब कर हम लोग सो गए। तो बहुत सुंदर हमारे महाराज अजामिल के बारे में बताए, और ध्रुव महाराज के बारे में बहुत अच्छा वर्णन किए, और प्रहलाद महाराज के बहुत सुंदर व्याख्या किए, और इसमें हम लोग को बताए कि हमें अपने बच्चों को कैसा संस्कार देना चाहिए, और इसे अजामिल प्रसंग में बहुत सुंदर बताए कि अपने बेटा अपने पुत्र का नाम हमेशा भगवान के नाम पर ही रखना चाहिए, नारायण कृष्ण ऐसा नाम रखना चाहिए, इन्हें की टिंकू पिंकू रख दी। आज के लोग टिंकू पिंकू चिंकू मनोरंजन ये सब रख देते हैं, दंत मंजन सब कुछ रख देते हैं, नहीं मंटू मंटू भी। तो ये सब नाम नहीं रखिए, संस्कारिक नाम रखिए, ताकि हमारे महाराज बता रहे थे कि अगर आग है उसे बच्चा छुए या जवान छुए जलेगा, ठीक उसी प्रकार अगर भगवान के नाम से उस व्यक्ति का नाम रखेंगे, बच्चे का नाम रखेंगे, तो या पापी हो या अपराधी हो उसका उद्धार जरूर होगा, समझ गया? और हमारे महाराज बताए बहुत ही सुंदर
कि साधु और साधु के रक्षा करने के लिए भगवान कहीं कहीं भी जन्म ले लेते हैं। तो प्रहलाद महाराज के लिए बहुत बहुत सुंदर भगवान खंभे में प्रकट हो गए। उन्होंने पूछा, हिरण्यकशिपु ने पूछा कि कहाँ मिलेंगे भगवान, तो बोले कि हर जगह भगवान है, खंभे में भगवान है। पृत्रणाय साधु नाम बिन साय च दुष्कृताम धन संस्थापनार्थाय सम भवानी युगे युगे। भगवान अपने भक्तों के रक्षा के लिए हर जगह अवतरित हो जाते हैं। तो हमें इससे बहुत कुछ सीख मिला महाराज से, और बहुत ही सुंदर महाराज बताए कि ये संसार क्या है, सुखालय है ना, सुखालय दुखालय, ये संसार दुखालय है, यहाँ किसी को सुख नहीं है। ऐसे लोग बोलते हैं रामायण में चौपाई है कि निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा के भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख। और इसके बाद तुलसीदास विचार के बोले, जो हरि भक्त नहीं है, जो भगवान के भजन नहीं है, वो जीव क्या है, दुखारी है। इसलिए हमें भगवान के नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इस कलयुग में केवल नाम आधारा है। प्रहलाद महाराज बहुत ही अच्छा सबको शिक्षा दिए, नौ प्रकार के भक्ति के बारे में बताए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। नौ प्रकार के भक्ति में से एक प्रकार के भक्ति भी हम करते हैं तो भगवान के हम समक्ष हैं। नहीं तो फिर महाराज बता रहे थे सुअर में और कुत्ते में और हमें क्या फर्क है। तो हमको सबको चाहिए कि भगवान के भक्ति करें और भगवान के भजन करें। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा मौका मिला है, तो उस मौके का लाभ उठाएं। और आप लोग एक और मौका मिला है कि जितने लोग आए हैं यहाँ पे सबको प्रसाद लेकर जाना है, खिचड़ी प्रसाद। इस्कॉन में खिचड़ी के नाम पर हम लोग लार्च ले जाता है, समझ लीजिए क्या टेस्टी होता है खिचड़ी प्रसाद। खिचड़ी मतलब सबको मिलावट। इस्कॉन में इसीलिए खिचड़ी बनाया जाता है कि सबको मिलाकर चलते हैं। खिचड़ी में दाल चावल और सब्जी अनेक प्रकार सब कुछ मिलाते हैं। भगवान रामचंद्र जब गए थे ना मिथिलांचल में अपने ससुराल में, तो बोले कि हमें खिचड़ी चाहिए, उनको भी खिचड़ी बना था। तो खिचड़ी सब मिलाकर, सब मिलाने का मतलब क्या है, हम लोग सब लोग क्या है, एक। तो खिचड़ी प्रसाद बना है, बहुत टेस्टी है, भगवान अभी खाए हैं, भगवान बता रहे थे बहुत टेस्टी खिचड़ी है। तो आप लोग बहुत ही सुंदर नृत्य भी है क्या, किसी का नृत्य है, नृत्य भी है बहुत सुंदर। तो आप लोग नृत्य भी देखेंगे, इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, आरती करेंगे, भागवत जी की आरती। बोले भागवत भगवान की। ए भैया आवाज नहीं निकल रहा है आप लोगों, एक बार दोनों हाथ खड़ा करके जोश एनर्जी बोलिए, जितना जोर बोलेंगे, अगर घर से खा के आएंगे तो पच जाएगा, फिर खाने का मौका मिलेगा। जोर से बोलिए, हरे कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा 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 कृष्णा, हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। तो मैं एक और बात बताना चाहूंगा, मैं थोड़ा सा भूल गया, ये क्या है, श्रीमद् भागवत गीता यथारूप, ये हमारे संस्कृति का परम ग्रंथ, परम ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता यथारूप। इंग्लिश में बोलते हैं श्रीमद् भागवत गीता एट इज, एज इट इज, सॉरी। तो ये गीता अगर देखा जाए, कितने लोग के घर में गीता है, एक बार हाथ उठाइए। नहीं आप लोग नहीं, आप लोग कितने लोग के घर में गीता है, इधर इधर, एक दो तीन चार पाँच छह, छह लोग के घर में, बाकी सब हिंदू नहीं है। देखिए समाज में देखा जाता है हर एक मुसलमान भाई के घर में क्या होता है, कुरान,
हर एक मुसलमान भाई के घर में कुरान होता है, हर एक क्रिश्चियन के घर में बाइबल होता है, लेकिन अभी देख लीजिए हम लोग के संस्कृति में क्या सबके घर में गीता है? है, फिर कैसे बोलते हैं? लाल गमछा ओढ़कर और पगड़ी बांधकर बोलते हैं ये प्राउड ऑफ यू हिंदू? कुछ नॉलेज भी होना चाहिए। गीता रखिए, गीता गीता अध्ययन कीजिए, इसमें बहुत सुंदर दिया गया है। संस्कृत है, संस्कृत का एक 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 चीज का इसमें मीनिंग दिया गया है। यदा मिस क्या होता है, धर्मस्य मतलब क्या होता है, सब एक एक चीज दिया गया है और उसका अनुवाद और तात्पर्य बहुत विस्तार से किया गया है। और देखा जाए इसका ज्यादा मूल्य नहीं है। अगर हम लोग जाते हैं दुकान पर टू कॉपी कराने के लिए तो एक टू कॉपी के कितना लगता है? इधर पांच रुपए, इधर पांच रुपए लगता है, मान लीजिए दो रुपए। इसमें 700 कितने पन्ने हैं? 700 श्लोक, सॉरी 700 श्लोक है, पन्ने नहीं गिना हूं मैं। 700 श्लोक के भवार्थ किया गया है, बताइए इसमें कितना पन्ना होगा? और दो रुपए के हिसाब से जोड़ा जाए तो कितना? 1400 रुपए, 1400 रुपए। लेकिन मात्र इसका कोई मूल्य नहीं दे सकता है। इसका मूल्य मात्र छपाई का मूल्य लेते हैं, मात्र 200 रुपए। ये मत कहिएगा कि आप लोग बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस नहीं कर रहे हैं। इसका केवल छपाई का दाम लेकर जहां से छपाई होता है वहां पर दिया जाता है। और देखा जाता है ना, एक और बात है, अगर सरकारी हॉस्पिटल में 2 रुपए लगाकर रेफरल हॉस्पिटल में 2 रुपए लगता है, उसमें दवा मिलता है, इतना सर जाता है दवा, लेकिन उसे कितना वैल्यू देते हैं? एक वहां रहता है, एक वहां रहता है, एक वहां रहता है, एक वहां रहता है, फेंक देते हैं। उसी दवाई को मेडिकल पर लेते हैं, वही दवाई उसका दाम 20 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपया है। उसको जुगा के रखेंगे कहीं अच्छे संदूक में कि भैया खो मत जाए। ये गीता आप लोग लीजिए, पढ़िए। आप लोग के हमको विश्वास है कि हर एक घर में लोग शिक्षित हैं, हर एक घर में लोग शिक्षित हैं। आप लोग गीता लीजिए, पढ़िए, पढ़िए। कितना लोग गीता लेंगे? कितना लोग गीता लेंगे? 1, 2, 3, 4। इधर माता जी लोग 5, 6, 7। मैं नाग हूँ भैया, फोटो खींचता हूँ, समझ लो। नहीं माता जी, नेसेसरी जरूरी है, हमको बहुत जरूरी है। अगर भगवान के गीता को रखने मात्र से हमारा कल्याण हो सकता है तो आप लोग गीता लीजिए। और जिनको जिनको झोली माला चाहिए, जप करना है, वो सोचे हैं कि जीवन में कुछ कुछ करना है भगवान के लिए, अपने लिए जप करेंगे तो भगवान तो भगवान। भैया बंद कर दीजिए माइक, सॉरी माइक नहीं, पंखा। अगर भगवान के जब नाम करेंगे, हम लोग नाम जब करेंगे तो इससे बहुत बड़ा पुण्य क्या होगा? हमारा हमारा खाता में, भगवान के खाता में हमारा नाम दर्ज होगा कि ये खुशी कुमारी या ये पम्मी माता जी, ये सब क्या किए? भगवान के नाम जब की है तो यमराज के खाता में दर्ज नहीं होगा। इतना नाम जप करो, इतना नाम जप करो कि भगवान जमराज के खाता को क्या करना पड़े? रद्द करना पड़े और भगवान के खाता में जुट जाए। और तो और, एक मिनट रोजी, जब भी जगह तभी सवेरा। आप लोग अभी से भजन करेंगे तो अभी से आप लोग का कल्याण होगा। हरे कृष्णा, सभी लोग खड़े हो जाइए और भागवत जी की आरती करेंगे। बोलिए भागवत भगवान की हरे कृष्णा। तो हमारे अंकिता माता जी हैं, वो अपने दादा के स्मृति के लिए आज के जो प्रसादम है वो डोनेट किए हैं हमारे प्रभु जी को। तो प्रभु जी की तरफ से यहाँ आप सबको प्रसाद मिलेगा। तो उस अंकिता माता जी के दादा के लिए एक बार हम लोग महामंत्र बोलेंगे।
यदुनाथ सिंह जी के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। कुछ माता जी बैठी है, आप लोग खड़े हो जाइए, बहुत देर बैठिए, खड़े हो जाइए। आरती अति पावन पुराण के, आरती अति पावन पुराण के, आरती अति पावन पुराण के, अति पावन पुराण के, धर्म भक्ति विज्ञान खान के, धर्म भक्ति विज्ञान खान के, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधार समय कल। सभी लोग ताली बजाते हुए खड़े हो जाइए। लीला रस 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 निदान के, कलिमल मत नित्रताव निवारने, जान मामरे तुम आया बाबा बायार ने, जान मामरे सेवा तसत तसकल सुखकार ने। इनको भी ले लीजिए साथ में दोनों बाबा बेटा। सुमह सधे हरि चरित गान के, आरती अति पावन पुराण के, आरती अति पावन पुराण, विषय विलास विमोह विलास ने, बोलिए विमल विराग विवेक विकास ने, भागवत तत्व राज प्रकाशने, परम ज्योति परमात्म ज्ञान के। इनका साउंड बढ़ाइए। आरती अति पावन पुराण के, आरती अति पावन पुराण, परमहंस मुनि मन उल्लास ने, परमहंस मुनि अति उल्लास, राशि का हृदय रस रास विलास ने, हृदय रस रस उल्लास, मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदास ने, जन प्रिय सुजान के, आरती अति पावन पुराण के, आरती अति पावन पुराण, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे
देखिए आप लोग दोनों हाथ खड़ा कीजिए और हमारे पीछे क्या बोलना है, राधे। अरे भैया भूख लागल बका, हमारे पीछे बोलिए राधे राधे। सभी को बोलना है जो कंजूसी करेगा ताली नहीं बजेगा तो हाथ में खुजली होगी और मुंह नहीं खुलेगा तो समान लोग हो जाएगा तब ऐसे टीवी की वैसे बिल्कुल कुछ नहीं बोल पाओगे इसलिए बोलो राधे राधे। ताली बजाते हुए नहीं तो फिर समझ लो क्या बोला। राधे 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 वृंदावन में राधे राधे बरसाने में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे अस्को ग्राम में राधे 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 वृंदावन में राधे राधे श्याम कुटी पे राधे राधे राधा कुंड में श्याम कुंड में ग्रीक वर्धन राधे 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 अरे राधे 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 गाते रहना जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। कितने लोग वृंदावन जाना चाहते हैं एक बार हाथ उठाइए सभी लोग। अरे भैया वृंदावन आइए हाथ उठाइए, यही वृंदावन है जहाँ भगवान के भजन कीर्तन होता है वही वृंदावन। देखिए बाबा दोनों हाथ खड़ा कर लिए राधे राधे कैसे राधे राधे जो करे शरम उसके फूट जाए करम राधे 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 गाते रहना जल्दी जल्दी वृंदावन जाते रहना राधे 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 गाते रहना जल्दी जल्दी वृंदावन जाते रहना राधे 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 ओ वृंदावन जाके तेरे भाग्य खुल जाएंगे वृंदावन जाके तेरे भाग्य खुल जाएंगे भाग्य खुल जाएंगे जमुना नहा के सारे पाप धुल जाएंगे जमुना नहा के सारे पाप धुल जाएंगे के सारे पाप धुल जाएंगे जमुना नहा के सारे पाप धुल जाएंगे। और क्या बार बार राधे राधे नाचिए ना माता जी हाथ उठाइए हाथ उठाइए बार बार जमुना नहाते रहना जल्दी जल्दी वृंदावन जाते रहना हो नहाते रहना राधे 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 गाते रहना जल्दी जल्दी वृंदावन जाते रहना जय हो राधे 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 गाते रहना एक बार वृंदावन जो आ जाएगा एक बार वृंदावन जो जय हो फिर बार बार वो वहां जाना चाहेगा वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे वृंदावन की परिक्रमा लगाते रहना जल्दी जल्दी वृंदावन जाते रहना नाचो राधे 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 गाते रहना जल्दी जल्दी वृंदावन जाते रहना जाते रहना गाते रहना आते रहना गाते रहना। सभी लोग दोनों हाथ खड़ा कीजिए सभी लोग भैया और जितने अस्को ग्राम वासी सभी लोग हाथ खड़ा कर लिए और एक बार क्या कर रहा है केवल मैं जैसे करूंगा वैसे करना है आप लोग के हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं जैसे करेंगे वैसे करना है। दिल में तू श्याम नाम की अरे दिल में तू श्याम नाम की अजरा ज्योति जला के दे
क्योंकि हाथ नहीं उठाएंगे तो फिर ऐसे हो जाएंगे। आएगा 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 मेरा सावरा दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे, दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू कृष्ण नाम की जलाती जला के दे, आएगा आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे, किस्मत के ताले खोलना मेरे गोविंद के हाथ में, किस्मत के ताले से बुला के दे, ओ किस्मत के ताले खोल दे, किसको किसको किस्मत के ताला खोलवाने हाथ उठाइए, जिसको जिसको किस्मत के ताला खोलवाने हाथ उठाइए, अरे किस्मत के ताले खोल दे, जरा ताली बजा के दे, अरे किस्मत के ताले खोल दे, किस्मत के ताले खोल दे, जरा ताली बजा के दे, आएगा 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 मेरा सावरा दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सावरा दिल से बचा है, आए, 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 अपने आप भी आना, अपने साथी को भी आना, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बैठ जाइए, और बहुत ही सुंदर डांस देखिए, हरि बोल, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? आशुतोष जी, देखिए गाने के कला पर हंसी होकर भगवान को ये 500 रुपए का क्या दिया, पुरस्कार नहीं बोलना है, भगवान की सेवा में दिए हैं, तो उनको एक बार हरि बोल। आइए माता जी, लक्ष्मी माता जी, जल्दी से स्टेज पे आ जाइए। तो जितने भी हैं यहाँ पर प्रसादी लेके ही जाएंगे, और एक सूचना है कि हमारे तिवारी टोला से राजेश तिवारी के द्वारा 1600 रुपया हमें मिला है, 1800 रुपये, तो तिवारी जी, तिवारी मोहल्ले के सभी